ಸಂಜಯ್, ಸಂಜು, ಸುನಿಯಾ ಜಿ, ಅಪ್ನಾ ಸಂಜು ಕಹಾ ಹೈ? ಮಿಲ್ ಗಯಾ. संजय मतलब आपका बेटा है ना सीताराम जी? नहीं तो क्या समझ रहे थे, मेरे जीजा जी का इकलौता बेटा है, बहुत दिमाग वाला, हैदराबाद में अच्छी नौकरी कर रहा है. क्यों जीजा जी, अपने बेटे की शादी वादी नहीं करवानी क्या? रानी चाहिए. हो चुका है. हा? क्या जीजा जी, बेटे की शादी कब हो गई? उसकी शादी की नहीं, ये हो चुका है. अच्छे दिए हैं जीजा जी. नहीं तो क्या, उसकी शादी की बात मुझे कैसे पता चलेगी? वो आकर कहेगा कि पापा मेरी शादी हो चुकी है तो पता चलेगा ना. मजाक अच्छा कर लेते हो जीजा. एक्सक्यूज मी, माचिस मिलेगी? आप ही से कह रहा हूं, माचिस मिलेगी क्या? तुम सीताराम के बेटे हो शायद. एड्रेस भी चाहिए क्या एक माचिस के लिए? मैं कौन हूँ मालूम है? मैं तुम्हारे पिता का बड़ा पापा हूँ. ओहो, कांग्रेचुलेशन. अब माचिस मिलेगी? फिर वही बात कर रहे तू? छोटे बड़े की तमीज नहीं क्या तुम्हें? मुझसे माचिस मांग रहा? ए, मजाक कर रहा है क्या? मैं तेरा चाचा हूँ और ये तेरे पापा के बड़े पापा है. बाप रे, इनसे माचिस मांग रहा है? तू ही समझा इसे. अरे छोटे, तेरे हाथ में शायद ये बियर की बोतल है ना? बियर बोतल है. ऐसे छोकरों से छिनकर बाहर फेंकने के लिए जा रहा हूँ मैं. ए, वो सिगरेट दे, चल बोतल बाहर निकाल. जेब से. आप जाइए बड़े पापा, मैं इसे संभाल लूंगा. इसकी अच्छी तरह से खबर लेता हूं. आया है गधा भाई का. क्या करूं तेरा. एक माचिस दे दो, काफी है. चलो. सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना. साजन साजन कहकर ऐसे सजती बैठोगी तो नहीं चलेगा पागल. पास जाकर साजन कॉफी पियोगे क्या? ऐसे पूछो. अब तक 10 बार पूछ चुकी हूँ, हमेशा ना बोलता. बार बार पूछने पर लगेगा कि दीदी ने कॉफी का होटल खोला. चुप रह. कॉफी नहीं तो छाछ तो पीजिए. ऐसा कहो. छाछ को मना करेगा तो दाल चाहिए या सब्जी चाहिए ये भी पूछ लेना. तो चुप कर, जा बाहर जा. ऐसा नहीं बेटी, मेरी प्यारी बेटी है ना. पास जाकर साजन साजन कहकर प्यार से बात करो ना. ये लो कंघी. दोनों मेरी जान खा रहे हो. वो तो बात भी नहीं करता, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता. अच्छा है, आपसे सिर्फ माचिस ही मांगा, मुझसे तो सिगरेट भी मांगता है. ए, कोई है वहाँ? बड़े पापा के लिए पानी तो लाना. घोर कलयुग. हाँ ले लो अपने अपने पत्ते. साजन, छाछ चाहिए? नहीं नहीं, उतर जाएगी. क्या दे रही हो? अभी छाछ दही चावल ये सब नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, अपना काम करो. चाहिए चाहिए. बाप रे, तुम लोग ये पी रहे हो? चल रे छोटू, हम चलते हैं. ए संजय, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे डार्लिंग. संजय. अरे लक्ष्मी. ए लक्ष्मी, तेरे पे लाइन मार रही है. उसे नारियल के बगीचे में ले जाकर एंजॉय कर. अक्सर शादियों में ऐसा होता है, ऐसा चांस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. शुरू हो जा. किस लिए कह रहा हूँ समझ जा संजय डार्लिंग. ए, तू लक्ष्मी के साथ शादी कर रहा है, इसका मतलब उसके साथ भी तूने एंजॉय किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, हमारा पवित्र 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 प्यार है. क्या देखकर प्यार किया? Why? Because मैं और मेरे ससुर एक ही कास्ट के हैं. मेरे ससुर के पास सिटी में राइस मिल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, रहने के लिए बड़ा घर और पढ़ने के लिए पाठशाला है. और पता है, इसके ससुर से भीख मंगवाने के लिए मंदिर भी है. कांग्रेचुलेशन, अपने प्यार और शादी के लिए सही कैलकुलेशन किया है. प्रॉफिट, प्रॉपर्टीज, गुड, वेरी गुड. जीने के लिए यही कैलकुलेशन चाहिए रे बाबा. अगर तूने उसे ये सब बोल दिया तो समझ जा, शंकर अंकल की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी. थैंक्स. लेकिन मैं किसी नारियल के बगीचे के लिए या राइस मिल के लिए शादी नहीं कर सकता. अरे, किस लिए कह रहा हूँ ये समझ जा. साजन, तुम यहाँ?
मैंने चाय कॉफी के लिए मना किया था ना? वो सब कुछ नहीं साजन, कंपनी देने आई हूँ। कंपनी फैक्ट्री मुझे नहीं चाहिए, जा जाकर सो जाओ। भरी जवानी में लड़का हो या लड़की, ऐसे अकेले में नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरी फ्रेंड ने कहा। हम दोनों को अकेले किसी एकांत जगह पे नहीं रहना चाहिए, ये भी जानते हो ना? आपको भी आपके फ्रेंड ने बताया? उसके माँ बाप ने बताया। बहुत बोर हो रही हूँ साजन, सिनेमा देखने चले, अभी तक आधी फिल्म बाकी होगी। क्यों साजन कुछ बोलते नहीं हो, मेरा आना आपको पसंद नहीं क्या? पसंद है, सिर्फ सिनेमा ही नहीं लॉज भी चल सकता, लेकिन एक बात पहले से बता दूं, बाद में शादी वादी कहके परेशान मत करना, ठीक है ना? बाप रे, अरे बुरा मान गई क्या? संजू, उठ। क्या है चाचा जी, सुबह सुबह परेशान करने आ गए, सिगरेट चाहिए तो वहाँ टेबल पर रखिए। चोक बंद कर, पहले उठ, चल जल्दी उठ, अर्जेंट है। ये लो लोटा। अरे तू चुप रहे छोटे, अरे उठ यार, उठ। वो मेरी बेटी के बारे में समझता क्या है? मेरी बेटी आग है, इसीलिए तो आग लग चुकी है। बचपना होगा, मजाक में बोला होगा, गलती तो हो गई है, अब छोड़िए ना भाई। ये बात तुम क्यों बोल रही हो, ये बात वो भी बोल सकता है। वो कैसा है, उसकी परवरिश कैसी है, कल उसने मुझसे माचिस मांगा तभी पता चल गया मुझे। फिर से माचिस की बात क्यों कर रहे हैं बड़े पापा? ए मामा मामी को सॉरी बोल दे, मैटर क्लोज हो जाएगा। सॉरी बोलूं? मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने उसके पास जाके पूछा था क्या? पता नहीं किसने भेजा था, 10 बार आके मुझसे पूछा तब बोला था। क्या बोलकर पूछी बेटा, लॉज चलने बोली क्या? मुझे भी लेकर चलो। मामा का बेटा ही सोचकर फिल्म देखने के लिए पूछा था, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगा? क्या बस करो, वो भी मामा की लड़की है समझकर मजाक से बोला था, क्या इसके लिए इतना झगड़ा करना ठीक है? बस यही बात खत्म कीजिए, चल संजू चल। ए गोपाल, मजाक मत किया कर, चाहे जो भी बोल लो लेकिन मेरी बेटी को लॉज में बुलाना ठीक नहीं। हाँ तुम उसकी इज्जत उछाल रहे हो। मैंने आपकी बेटी को लॉज में चलने के लिए अकेले में सिर्फ एक बार पूछा था, और आप लोग तो सबके सामने 1000 बार बिगड़े हुए रिकॉर्ड की तरह लॉज लॉज करके चिल्ला रहे हैं, उसकी इज्जत तो आप लोग उछाल रहे हैं। चलिए चाचा जी। क्यों यार, रात को सच में लक्ष्मी को लॉज में ले जाकर एंजॉय करने की सोच रहा था क्या? क्या चाचा जी, आप भी ना? उस लड़की को सेक्स चाहिए या शादी करना चाहती है, ये जानने के लिए पासा फेंका था। जान लिया? क्या जान लिया बता। उसे क्या चाहिए वो खुद नहीं जानती, बड़ों ने उसे मेरे पास भेजा था इसलिए आई थी। ये लीजिए। तो उनके भेजने की वजह से आई है बोलता है? चाचा जी, मैं उस लड़की का इस्तेमाल करके शादी से मना कर देता तो उसकी जिंदगी क्या होती, एक बार भी सोचा उन्होंने? अरे माँ बाप होने के नाते अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने कोशिश की। इन लोगों की कमजोरी देखकर मुझे दया आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। चाहे कुछ भी हो, तू जैसे पागल के लिए पक्की सेंटीमेंट लड़की मिलनी चाहिए। सुनो ईश्वरलाल, लड़की के नाम की चिट निकालो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नाम हंसा वाहिनी, मतलब सरस्वती माँ का नाम है। पोपट, मुझसे प्यार करने वाला पति मिलेगा कि नहीं, मेरे नाम की चिट निकाल कर बताओ ना मेरे प्यारे पोपट। ये पोपट सिनेमा नहीं देखता बेटी, पति मिलेगा कि नहीं ये तो बता देगा, लेकिन प्यार व्यार के बारे में नहीं जानता। हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? पति मिलना बड़ी बात नहीं है, प्यार करने वाला मिलना बड़ी बात है। इसमें सोचना क्या है बेटी, हसीन लड़की से कौन प्यार नहीं करता, लेकिन शादी की बात अलग है। फिर ज्योतिष की बात नहीं सुनना है क्या? नहीं सुनना है, पता नहीं ये क्या बोलेगा। छोड़ ना यार, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, चल। हाँ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पाणिग्रह संस्कार संपूर्णम्। अरे अरे बेटी, ये तो अच्छा शगुन है, कुंवारी लड़की पर शादी के अक्षत गिरने से शादी जल्द से जल्द हो जाती है। शादी तो जरूर होगी, लेकिन भगवान प्यार करने वाला पति दीजिएगा। कल जाना जरूरी है क्या बेटा? 2 दिन रुक जाता तो हम लोग साथ में निकल चलते। आप चाहें तो यहाँ पर 4 दिन रुक जाइए माँ, लेकिन मैं ऑफिस का काम छोड़कर नहीं रुक सकता। तो फिर तुम्हारे खाने का क्या होगा? चलेगा,
प्यार वार बच्चों की बातें हैं, लेन देन बड़ों की बात है। जो तय किया वो मिलने के बाद ही आगे का कार्यक्रम होगा। समधी जी, मैंने कहा तो था कि आपको 60 तोला सोना दे दूंगा, आखिरी वक्त में इंतजाम नहीं हुआ, माफ कीजिएगा। ऐसे इंस्टॉलमेंट तरीके मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। पूरी रकम मिलने के बाद ही सुहागरात होगी। अरे वाह, कुछ दिए बिना ही सब कुछ करवाना चाहते हैं। ए सुब्रमण्यम, चलो। अंकल क्या है? एक मिनट रुकिए आप, तू इधर आ। इतना सब सुन के भी तू चुप क्यों है? पैसे के मामले में मेरा बाप बहुत सख्त है, वैसे भी इस मामले में टाइट रहना चाहिए। तो पैसे मिलते ही अंदर जाएगा। इसे क्या कहते जानता है? व्याभिचार, मेल प्रेस्टिट्यूशन। इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी सेंटर पर खड़े होकर अच्छा धंधा शुरू कर सकते हो। मैं इतना भी चीप नहीं हूं यार। चीप नहीं यार, तू बहुत कॉस्टली है, वरना हालात यहां तक नहीं आते। एक बार अपनी पत्नी की तरफ देख, कैसे रो रही है। सुहागरात नहीं मना पाएगी इसलिए नहीं रो रही है। तुम जैसे पति से, माफ करना, धंधे वाले से शादी हो रही है इसलिए रो रही है। मेरी बात मान, इस लड़की की जिंदगी से मत खेल, जा। समझे जी, मैं अपने बेटे की बात मानकर हाँ कह रहा हूँ, लेकिन अपना कमिटमेंट भूलना मत। हाँ जरूर करूंगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। समझी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जरूरत नहीं है। नाले मुझसे तू, दिल में बस जा मेरे तू, रानी मेरे दिल की है तू, तेरा राजा मैं हूँ। नाचो नाचो ये रात सुहानी, बन जाने दो प्रेम कहानी। देखो देखो नजारे ये देखो, चंदा मामा भी खुश है देखो। जोड़ी बना ले मुझे तू, दिल में बस जा मेरे तू, रानी मेरे दिल की है तू, तेरा राजा मैं हूँ। नाचो नाचो ये रात सुहानी, बन जाने दो प्रेम कहानी। नाचो नाचो ये रात सुहानी, उन भी तो शुरू कोई कहानी। मुझको प्यार से देखो, कब से तड़प रहा दिल ये मेरा, कोई न जाने हाल ये मेरा, कहते दिल की आज है मौका।
दिल का तुझको उपहार मैं दूं, प्यार की तुझको बहार मैं दूं। आ जा बाहों में मेरी तो तुझसे मैं प्यार करूं। हो दिल की बातें ना छुपा तू, मौका है अच्छा ना गवा तू, खुशी में शामिल हो जा तू भी, संग हमारे झूम ले तू। आइए, ये लीजिए, इस सीट पर बैठ जाइए। ठीक है। हाँ चलो। हाय। आप जरा यहाँ आएंगे? विंडो सीट अच्छी लगती है। हाँ, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। हाँ? एक लड़की को सीट भी नहीं दे सकता। छी, यही सीट बेटर है, वैसे भी खिड़की से धूल आती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जानकारी बहुत अच्छी है। सरस्वती माँ का नाम होता है ये, अच्छा है ना? हाँ, कल रात को ना जो झगड़ा हुआ और उस लड़के की जो क्लास ली तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया, कब से मैं ही बोले जा रही हूँ। छोटू जल्दी कर, बस यहाँ पर आधे घंटे के लिए रुकेगी, जिसको चाय नाश्ता करना होगा कर लीजिए। ए चाय जल्दी गर्म कर रहे, बस आ चुकी है। ए ग्लास धोकर जल्दी आ। अरे 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 क्या किया रे, ग्लास ऐसे तोड़ दिया, इन के चक्कर में काम भी ठीक से नहीं करता, बदमाश कहीं का। साहब मत मारिए मुझे, कितनी बार बोला काम ठीक से कर, हमेशा नींद में घूमता रहता है। ए, कौन है रे तू जो मुझे इस तरह मार रहा है? तूने दो गलतियां की हैं, एक तो छोटे बच्चे से काम करवाया है और दूसरा एक ग्लास टूटने पर उस पर हाथ उठाया है। तो क्या मारेगा? ये था इसलिए सिर्फ मारकर छोड़ दिया, अगर मैं होता ना तो। थोड़ा सा नुकसान हो गया तो क्या हुआ, छोटे बच्चे को इस तरह मारते हैं क्या? इसको कितना भी मारो गलत नहीं होगा, साला छोटे बच्चे से नौकरी करवाता है, इसका तो होटल ही तोड़ कर रख देना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे पीछे खड़े होकर बातें अच्छी कर रहे हो, लेकिन जब आंखों के सामने अन्याय हो रहा था तो रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। मुझसे पहले अगर तुम में से कोई एक भी आगे आता तो वो लड़का मार खाने से बच गया होता। अगर तूने हमारी बस जाने के बाद उस लड़के पर हमारा गुस्सा उतारने की कोशिश की तो चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत सीधा अंदर करवा दूंगा, समझ गया ना? Oh my god.
बुलाया है? म्यूजिक सुन करके ना। ताली क्यों मार रहे हो? इतने अच्छे से डांस की ना, लड़की को देखने के बाद खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना, इसके लिए। तुम्हारी खुशी के लिए मैं डांस नहीं कर रही थी, मैं अपनी खुशी के लिए डांस कर रही थी। ये क्या है लड़की, देखा इसलिए तारीफ कर रहे हैं, थैंक्स बोलने की बजाय ऐसे बातें कर रही है। सही है सही है। नॉनसेंस। देखिए मैं आपके हस्बैंड के लिए यहाँ पर कोई डांस का फ्री शो नहीं कर रही हूँ, पीप शो समझा है क्या? यू जस्ट गेट लॉस्ट। तो हमारे घर से हमें जाने के लिए कह रही है? सही है। रेंट पे जब तक करती रहूंगी ये रूम मेरा है। Get lost. ये भी सही बोल रही अच्छा है। बोल ले चलो लड़की चलो बुरा मान गई है शायद। कोई सिंगल लड़की दिख जाए ना, बस कोई भी ऐरा गैरा रास्कल चला आता है। अरे सिंगल है इसलिए तो लाइन मार रहा है ना, तू कोई बकरा ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती हो? अरे शादी के पहले तो पिकनिक लगती है, लेकिन शादी के बाद तो पनिशमेंट होती है। शादी जैसी चीज मेरे लिए नहीं है, मैं समझती हूँ लिविंग टुगेदर ज्यादा बेटर है। व्हाट डू यू से संजय? इसके लिए कोई लड़की तैयार नहीं होगी, यहाँ तक कि सगाई के समय 2 मिनट नजर मिलाना भी लड़की रिस्क समझती है। मैं रेडी हूँ। तुम्हारे बारे में नहीं, लड़की के साथ लिविंग टुगेदर की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, जोक करना बंद करो। तुम्हारे साथ सिगरेट और दारू शेयर करती हूँ ना, इतना ही रिलेशन मेरे लिए काफी है। इससे ज्यादा तुम्हें कोई हैंडल नहीं कर सकता। मेरी बात छोड़ दे यार, वैसे इन दिनों तू लव वव कहकर किसी खूबसूरत लड़की को लाइन मार रहा है। ये क्या लाइन मारेगा, उसके पास तो इससे बड़ी लाइन है। परसों उस लड़की ने इसे फोन करके घर पर आने के लिए कहा, ये उड़ता हुआ चला गया। फिर क्या हुआ, वर्कआउट हुआ क्या? क्या वर्कआउट होगा, घर पर कोई भी नहीं था, ताला लगा था। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मतलब फिर से फूल बन गया। असल में इस लव नाम की चीज को बैंड ही कर देना चाहिए। लव, इश्क और प्यार, कहने को ये 2.5 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। क्या ये प्यार आपकी जिंदगी में भी है? बहुत बड़ा परिवार है, रायडू जी के 2 बेटे हैं और 4 लड़कियां हैं। एक काम वाली भी है। पूरा परिवार एक साथ रहता है और सारे त्योहार खुशी खुशी मनाता है। काम वाली रंगोली लेकर आंगन में गोल 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 रंगोली निकालती है। आज चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। लेकिन तुम काम वाली के बारे में बोलना मत भूलना, बोलो। तुम बुरा मत मानना बेटी, काम वाली विटनेस है, अब तो तुम खुश हो ना। कहानी कहाँ तक पहुँची? अपना खेत बेचकर सीरियल बनाने के लिए हैदराबाद आने तक। तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ ना। वो दिवाली का त्योहार। आप बहुत बड़े सुनामी बनकर आने वाले हैं रायडू जी के परिवार में, उन्हें शौक लगता है, बड़ा बेटा और बहू अलग हो जाते हैं, दोनों बेटे लड़ते हैं, जायदाद का बंटवारा हो जाता है, एक रेड में बड़ी बेटी गिरफ्तार हो जाती है। रुक जाइए, घृणा गुस्सा द्वेष दुश्मनी के अलावा क्या है इस कहानी में? हर घर में जनता को ऐसे ही सीरियल दिखाए जाते हैं, हत्या किडनैप नाजायज रिश्ते बलात्कार, क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? तुम टीवी ज्यादा नहीं देखती हो क्या? असल में औरतें टीवी के पास बैठती क्यों है? इस तरह रोने के लिए। दूसरा कोई रास्ता न होने के कारण ये कचरा बर्दाश्त कर रहे हैं। टीवी मीडिया बहुत पावरफुल है, सीरियल्स में प्यार के बारे में रिश्तों के बारे में दिखाना चाहिए, रिश्तों के मायने समझाने चाहिए, ये सब दिखाना होगा। राइट है यार, नोट दिस पॉइंट। अपने अंदर की बात है, काम वाली के बारे में लिखना मत भूलना। मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, चलता हूँ बेटी। ओ काम वाली की प्रेम कहानी लिख कर लाता हूँ। हाँ तो बहन जी, प्रेम के लेक्चर्स खत्म हो गए? अरे वो सब छोड़, तेरा संदीप क्या कह रहा है? फिल्म जाने से इनकार कर दिया, इसीलिए नाराज है। क्यों इनकार कर दिया? टेक परमिशन एंड गो, बॉस पूछेंगे तो मैं कोई कहानी बना दूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। क्यों, चैनल्स के रेटिंग नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, सिनेमा एक्टर्स के डेट्स नहीं है, ये सब सोच कर मुझे बीपी हार्ट अटैक शुगर इन सब के रेट्स बढ़ रहे हैं। तुम लोग ये सारी बातें भूल कर बॉयफ्रेंड के साथ गप्पे मार रही हो खिलखिलाकर। नहीं सर, स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रही थी। स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रही थी। देखो बेटी, 100 साल जिएगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड। गांव से माँ का फोन है। माँ, अच्छा मुझे दो, मैं बात करता हूँ। दो ना बेटी, हम माँ सबके लिए एक होती है। पता नहीं हार्ट अटैक बीपी शुगर इतनी बीमारियां होते हुए अब तक बचा कैसे है। खैर छोड़ो, उसके बारे में सोचेंगे तो उसकी बीमारी हमें लग जाएगी। हम शाम को फिल्म देखने चलते हैं, उस मुच्छड़ को कोई पट्टी पढ़ाकर तुम आ जाना, ठीक है? चीची, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना यही होता है बेटी। हाँ चलता हूँ अब। सर, असल में सेल फोन का स्पीकर ऑन करने का महान आइडिया आपको कैसे सूझ गया? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ज्यादा बेहतर है, इसलिए रेटिंग बंद। तुम्हारे मुंह के शटर ज्यादा खुल रहे हैं। इस धराधाम पे परमेश्वर मातृ रूपेण है,
इसलिए मंत्र है यह देवी सर्व। सुनो कॉफी लाना। सुबह सुबह इन महाराजों का क्या प्रवचन सुनने में वक्त बर्बाद कर रहे हो जी? इनका प्रवचन सुनने से बेहतर है कि टीवी बंद कर दिया जाए। कोई भी काम करने से पहले आत्मा को शांति मिलनी चाहिए यार। कॉफी का चुस्का लेने तक आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर नहीं जाता है। क्या बात है, पैर हिलाते हुए कॉफी के लिए चिल्लाना भूल जाएंगे तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। ये ले माँ। ऊपर से सामान हटाने की आवाज क्यों आ रही है? तुझे बताना भूल गई थी बेटा, ऊपर का हिस्सा कल से भाड़े पर दिया है। भाड़े पे देने की क्या जरूरत पड़ गई? पैसों के लिए नहीं दिया बेटा, मेरे साथ भी कोई चाहिए ना। अब तू तो शादी करने से रहा तो मेरे लिए तो बस करो माँ, घुमा फिरा कर बात को वहीं ले आती हो। बाय गोगो। बाय। ए सुनो तारा, लड़की चली जा रही है, जल्दी आओ। ए सुन, तुम्हारे लिए कोई लड़का पूछ कर गया। ओके ओके, कह रही है कल जो आया था वो नहीं था। बोलो। अब चुप रहिए जी, मैं बात कर रही हूँ ना। सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? माया। माया। लगता है तुम्हें माया की बीमारी लग गई है। माया हो या छाया हो, हर रोज एक नया लड़का घर पर आना अच्छी बात नहीं है। करेक्ट करेक्ट। वो क्या है ना, सारे लड़के अगर एक दिन आ गए तो अच्छा नहीं होगा ना। ये भी करेक्ट है। बेशरम कह के मैं हूँ या वो लड़की है? सुन लड़की, ये इज्जतदारों का घर है, हम तुम्हारा तरीका पसंद नहीं करते, तुम तुरंत खाली कर दो। बिल्कुल करेक्ट कह रही हो, खाली कर दो। ऑल राइट, मुझे भी आप लोग पसंद नहीं है, खाली कर दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो, तुमसे खुश ना रहने की वजह से मुझे कहानियां बताकर मुझ पर लाइन मारने वाले तुम्हारे पति बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हारे पास इतनी कलाकारी है, आज बता दूंगी मैं क्या चीज हूँ। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी उठ गया तू? सवेरे सवेरे कानों में इतना शोर पड़ेगा तो नींद कैसे आएगी? और ये रंगोली क्या है, आज कोई त्योहार भी तो नहीं है? नए किराएदार तो कुछ भी करेंगे क्या? उस लड़की ने रंगोली बनाने का व्रत रखा है, सुबह सुबह उठकर किसी से बात किए बिना 40 दिनों तक रंगोली बनाया करेगी। कांग्रेचुलेशन, तब तो इनका नाम गिनीज बुक में शामिल होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ऐसा व्रत करने से मनचाहा पति मिलता है। मिलने की बात तो छोड़ो, होता तो कब का भाग्य होता अंधविश्वास देख के। फिर भी पति और रंगोली के बीच क्या संबंध है, बेवकूफ कहीं की। पाप लगेगा, ऐसा मत बोलो बेटा। अगर कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से मुझे अच्छी गर्लफ्रेंड मिले तो करो ना माँ। टीका लगा लीजिए। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितुजम उपचारु भक्षणम उमासंचोक विनाशकम। आज कौन से भगवान की पूजा है? जामवंत भगवान। अरे तुम्हारी पूजा पुण्य हो जाए, जामवंत की कोई पूजा करता है क्या? पुण्य मिलेगा जी। अरे खुजली होगी पूरे बदन में, जामुन की पूजा करेगी तो, जामवंत जैसे वानर की कोई पूजा नहीं करता। मामा जी। क्या है जी? पुन्नूलाल। हाँ आओ जी। आओ, आओ। अच्छे तो ना मामा जी? अब तक तो ठीक ठाक था, अब तुम आ गए हो ना पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, बिना खबर दिए ही आ गए। मैं नहीं आया मामा जी, डॉक्टर साहब ने भेजा तो बस लेकर आई। क्यों, दवाई के साथ साथ उनका दिमाग भी खाने लगा है क्या? उंगली सूज गई मामा जी। तो पागल, हल्दी की पट्टी लगाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, दिखा। ये वाली उंगली नहीं मामा जी। पैर की उंगली? नहीं मामा जी, पेट की उंगली। पेट की उंगली? पेट में उंगली नहीं होती बल्कि अंतड़ी होती है बेटा। अंतड़ी में उंगली जितनी सूजन आई है मामा जी। पेट में इतनी सूजन कहाँ से आएगी पागल? ओह अच्छा, मतलब वो अपेंडिक्स की सूजन है। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो पत्थर का पहाड़ हो जाएगा मामा जी। पागल, अगर वो बढ़ेगा तो उसे बढ़ने देगा क्या? मेरी पहचान का एक बहुत बड़ा नामचीन डॉक्टर है, उनके पास लेकर जाऊंगा तुझे। क्या नाम है डॉक्टर का? राव। आपने तो बड़ा नाम कहा था। बड़े नाम का मतलब इतना लंबा नहीं, अच्छे नाम वाला, अच्छी दवाई देने वाला मतलब है। वैसे तुझे इससे क्या करना है, तुझे तेरी बीमारी का इलाज चाहिए ना। ये लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। कैसी हो मामी जी? ठीक हूँ बेटा। कौन से भगवान का प्रसाद है? चूहे भगवान का। चूहा? गणपति जी का वाहन है ना। अरे तेरे वाहन को आग लगे, अब तक तो सिर्फ भगवान की पूजा कर रही थी, अब उनके व्हीकल्स की भी पूजा कर रही। आप भी तो अपनी स्कूटर की पूजा करते हैं। अच्छा ये लॉजिक है। मामी जी बहुत अच्छी है ना मामा जी, इसलिए तेरे पेट में सूजन आई है। सूजन से याद आया, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? अपेंडिक्स कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आसानी से इसका इलाज हो जाता है।
तो आप इलाज कर सकते हो ना? मैं करूँगा तो तू ऊपर चला जाएगा, ये डॉक्टर को ही करने दे। अरे सुनो, प्याज कितने काटूं भाई? जितना मर्जी काट लीजिए जी। और पता नहीं क्या क्या काटने बोलेगी। अब इससे क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है पापा, मैकेनिक आएगा तो चाबी दे देना। इतनी ही बात है ना, खाली ही तो बैठा हूँ, दे दूंगा। अरे 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 बेटी, घर के मालिक का बेटा गुंडा लगता है, बाप के सामने सिगरेट पी रहा है। अरे बाप रे, सिगरेट? हाँ, जिसमें से धुआं निकलता है और उसके धुएं से कैंसर हो जाता है, उसे सिगरेट नहीं तो अगरबत्ती कहेंगे क्या? क्या नसीब है, इतना ढूंढने के बाद भी एक गुंडे का घर मिला। कोई बात नहीं है पापा, हमारे साथ भगवान है, आप बेकार में ही उस लड़के के साथ बातचीत करना शुरू मत करना। हाँ। वरना ऐसी आदत आपको भी लग जाएगी। अपना ध्यान रखना बेटी, रुको वो गया कि नहीं देखता हूँ। गेट से बाहर निकल चुका है, तुम जाओ बेटी। फ्लास्क में कॉफी निकाल कर रखी है, पी लीजिएगा। ठीक है बेटी। पापा, विटामिन की टैबलेट रखी है, वो भी खा लेना। हाँ ठीक है। ओके बाय। रिटायर नहीं होता तो ठीक था, रोज ऑफिस जाकर आराम करता, रोज रोज बेकार के काम करवाती रहती है मुझसे। नमस्ते नमस्ते, ऑफिस जा रही हो बेटी? हाँ अंकल। हाँ, जाकर ऑफिस में रेस्ट करना। बाय। ए सुनो, इसके बाद और क्या क्या करना है बता तो दो। हे हाय, मुझे पहचाना आपने? ठीक तो है ना? सब तो कहते हैं कि मैं ठीक ही हूँ, तुम्हें कोई डाउट है क्या? बस के लिए इंतजार, ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। मुझे बोलना, अरे मैं हूँ ना, मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अरे उसे क्यों बुला रही है? बस रुका रे साली, उतर उतर, सुनिए, उतर नीचे। अबे कौन है भी तू, चल फुट ले यहाँ से। सुनोगी? अब बोल। एक कस के दूंगा, नड़ मत मुझसे। ए, थप्पड़ का मतलब यही है ना? हाँ भैया, थप्पड़ का मतलब यही है। समझ गया ना? इसकी जात का। इसको क्या बोलते हैं? इसको कंटाप बोलते हैं। कंटाप? कंटाप। देख, बहुत हो गया तेरा, सीधा सीधा बोल रहा हूं, निकल यहां से। डब्बा कहते हैं। ओ इसको डिच्ची कहते हैं ना? ठीक कहा भाई, इसको डिच्ची कहते हैं। इधर नहीं बे, मेरे एरिया में आ, फिर दिखाऊंगा तुझे मैं। भाई ये अपना ही एरिया भाई। हा? देख क्या रहे हो, मारो। शंकर भाई को बुलाओ रे। हाँ बुलाओ शंकर भाई को। भाई शंकर तो तुम ही हो। अबे तेरी, अबे मैं ही तो शंकर भाई हूँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख क्या रहे हो, मारो मारो। अरे भाग कहाँ रहा है भाई? खली को बुलाकर लाता हूँ ना। अच्छा चल 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 चल, मैं भी आ रहा हूँ।
किधर जा रहा है बे? हाँ? अब छोड़ दीजिए, ने जाने दीजिए। श्योर, फिर चला क्यों रही थी? बैग पकड़। अब बोल कहाँ है तेरे आदमी? देख क्या रहा है भाई, उसी ने हमें मारा भाई। हमारे एरिया में आके हमारे आदमी को मारता है साले। भाई भाई यहाँ मत मारना भाई, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मैं करवाता हूँ ना। अब यहां तक आ ही गए हो तो आ जाओ ना। बुलाना बे। अरे जल्दी आओ, मारो ना। अरे आओ ना, मारो। ए जाना नहीं। अच्छा, ए जाना। हाँ, अबे जाना, मार उसे, जाना। थैंक यू। सीधे घर जा। बाय दीदी। थैंक्स। या तो तुम कराटे सीख लो या कम से कम मुंह बंद करना तो सीख ही लो। गाल पर पड़ेगी तो थप्पड़, कान पर पड़ेगी तो कंटा, सिर पर पड़ेगी तो डब्बा, फिर सिर से मारा तो एक्सक्यूज मी। सुनिए, सिर से मारने को क्या कहते हैं? डिच्ची। ओह, तू क्या एक डिच्ची? बताने में भी प्रॉब्लम। फिल्म जैसी लग रही है तुम्हारी कहानी। बस में हीरोइन से गुंडों की छेड़खानी, हीरो से गुंडों का मार खाना। सिनेमा में तो फाइट के बाद हीरो हीरोइन से प्यार से बात करता है ना, यहाँ तो उल्टा है, इतना रूडली बात कर गया। अरे हाँ हंसा, यही तो है फिल्म और लाइफ के बीच का फर्क। आई नो। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम स्कूटी तो खरीद ही सकती हो ना। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। बीच में स्कूटी चलाने की कोशिश की, 3 बार गिर गई मैं, नाक से ब्लड भी निकल आया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी स्कूटी विस्कूटी। तो तुम उस पर बैठोगी ही नहीं क्या? मेरे पति देव स्कूटर चलाएंगे तो उनके कमर पर हाथ डालकर पीठ पर सोते हुए आराम से घूमूंगी। अच्छा, तो तुझे तेरा युवराज मिलने तक तू गाड़ी चलाएगी? मर कर भी नहीं चलाऊंगी, चलाऊंगी तो मरूंगी इसीलिए। यस बॉस। दिया हुआ काम फिनिश किए बिना कहां मर रहा है तू? मॉर्चरी रूम में हूँ बॉस। क्या तू मर गया? नहीं बॉस, पुलिस से छुटकारा पाने के लिए मरने का नाटक करके यहाँ कर ठहरा हूँ मैं बॉस। वैलेंटाइन डे तक बॉम्ब ब्लास्ट का काम पूरा करना है, वरना तू जहाँ है मैं तुझे वहीं गाड़ दूंगा। ओके बॉस। सिस्टर, उस 3 नंबर के पेशेंट को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करो। यस डॉक्टर। हाय टीना डार्लिंग, आई एम डॉक्टर राहुल हियर। ओके बॉस। रात को आने ही वाला था लेकिन काफी लेट हो गया डार्लिंग। ठीक है बॉस। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? हाँ बोलो। हाँ करता हूँ, कल मैं डेफिनेटली आऊंगा। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सर। ब्लैक चश्मा चढ़ाकर घूम रहे हो, अकल के दुश्मन। सामने कौन आ रहा है दिखाई नहीं देता? डोंट रिपीट इट। ओके सर। सॉरी डियर।
आंख दिखाओ। पेट में दर्द है तो आंख की जांच क्यों कर रहे हो डॉक्टर? तुमको पता है क्या करना है? चल इधर देख। ठीक है तो अरे रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है। चल हाथ दिखा। ये आपका क्या लगता है? भांजा। नाम क्या है? उन्नूलाल। फेस के जैसा ही नाम है। प्रॉब्लम क्या है? पेट में दर्द है बोल रहा है सर। आई सी। जरा मुझे दिखाना तो। पेट या दर्द? तुम सिर्फ पेट दिखाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ये क्या कर रहा है? तुम्हारा भांजा झटके बहुत देता है, तो आप ठीक कर दीजिए ना। क्या ठीक करूं? झटके। झटके नहीं, पेट। तुम शांत रहो। आई सी। क्या बात है सर, ऐसे सर क्यों हिला रहे हैं? कोई फायदा नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जरूरी है? बहुत जरूरी है, इसीलिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। करेंगे तो हमको ही भरना है ना बिल। लेट करेंगे तो आपका पुन्नूलाल झुन्नूलाल होकर बजने लगेगा। मामा जी। वो अपना मुंह बंद रख। ठीक है कीजिए। वेरी गुड नर्स। यस डॉक्टर। थिएटर तैयार करो। कौन सा सिनेमा? डटी पिक्चर है क्या? तू चुप कर, ये बताएंगे कौन सी पिक्चर है। थिएटर का मतलब सिनेमैक्स नहीं, ऑपरेशन थिएटर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओके ओके ओके। नर्स पेशेंट को ले जाकर ऑपरेशन टेबल पर सुला दो। ओके डॉक्टर। मुझे टेबल में सोने की आदत नहीं है, मैं तो पलंग पे ही सोऊंगा। नसीब अच्छा रहा तो ऑपरेशन के बाद पलंग पर ही सोओगे, वरना अर्थी पर सोना पड़ेगा। भगवान। पूजा पाठ बाद में करना, पहले सीधे हाथ करके सो जाओ। मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना डॉक्टर, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे भी तो ऑपरेशन करने में डर लग रहा है ना, फिर भी हिम्मत करके ऑपरेशन कर रहा हूँ कि नहीं। आंख बंद करके सो जाओ। नींद नहीं आ रही है मुझे। नींद नहीं आ रही है, इसे गोदी में लेकर लोरी सुनाओ। अरे छी, चुपचाप सो जा, अपना काम करो। मत करो डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम ऐसे कैसे मर सकते हो मेरे होते हुए? अगर ऐसा होता तो मैं और हॉस्पिटल दोनों नहीं होते। ये लो घड़ी रखो, वो ग्लव्स दो। सर आपका सेल फोन। अगर ये नहीं रहा तो मैं अपने शरीर का इम्पोर्टेंट भाग भूल गया हूँ, ऐसा लगता है, इसे रहने दो। रिंग होगा तो मुश्किल होगा सर, साउंड आएगा तो ऑपरेशन रोकना पड़ेगा। ऐसे तो तुम्हारे धड़कन की भी आवाज आ रही है, उसे बंद कर दूं क्या? वो सर। तो फिर तुम ज्यादा बात मत करो, मैं सब जानता हूँ। वो कैंची मुझे दो। सर तुम मत बोलो, मैंने कहा ना। नहीं सर, वो कैंची मुझे दो। ठीक है सर। जय बजरंगबली, इसकी जान बचाना। अरे बाप रे, हमारे पुन्नूलाल का ऑपरेशन सक्सेस हुआ ना? आँख खुलेगी तो सक्सेस। मतलब डाउट है? आँख खुलेगी तो ही पता चलेगा ना कि ऑपरेशन सक्सेस हुआ कि नहीं। ओ माय गॉड, ये कौन है? मेरी पत्नी है। ओ बहुत भयंकर पर्सनालिटी है। आप चलिए। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। चलो चलते हैं। डॉक्टर जी, बाप रे। क्या बात है, क्या हुआ? डॉक्टर जी अपना सेल भूल गए हैं। बस इतनी सी बात है ना, सेल ही तो भूल गए ना, उससे जान थोड़ी जाती है, लौट कर ले लेंगे। चलो चलो, डॉक्टर तो एक्सपर्ट है। अरे बेवकूफो, सेल भूल गए मतलब पेशेंट के पेट में। तेरी बेटी तो मर गई, लेकिन मेरा दहेज अब भी बाकी है, शिवरात्रि के दिन दूंगा कहा था, क्या हुआ? हाँ संक्रांति को उसे मार दिया ना, अब तुम्हारा कुछ बाकी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। क्या कहा? इस हंसा के बजाय तूने अपनी बीमार बेटी से मेरी शादी करवाई। एक काम कर, अब इससे मेरी शादी करवा, मेरा फुट बेड का काम दोनों हो जाएगा। इसे भी मारने का इरादा है? तुझे भी मार देता हूँ। लोन होते ही आपका कर्जा चुका दूंगी। वो कब होगा? 10 दिन में। अगर 10 दिन में पैसा नहीं मिला तो तेरी बाप की कहानी खत्म कर दूंगा। अच्छा अब ब्याज के तौर पर 100 रुपया दे दे, जाकर प्याज बुझाता हूँ। वेट। सुनिए सुनिए, एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। ऑफिस में मीटिंग है, जस्ट 5 मिनट। थैंक्स। मेरी दीदी का नाम वेदवती है, आप नहीं जानते, एकदम मासूम है, बिल्कुल पागल है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें तक तो ठीक से जानता नहीं, अब तुम्हारी इस पागल दीदी के बारे में जानना जरूरी है क्या? प्लीज मेरी बात तो सुनिए। उनकी शादी ना एक गलत इंसान के साथ हो गई थी, वो हमारे घर के मालिक के बेटे की तरह ही गुंडा मवाली था, दीदी को मार मार कर बहुत सताया, इसीलिए दीदी ने सुसाइड कर लिया। आई एम सॉरी। हाय संजू, तुम और यहाँ? कुछ नहीं यार, किसी टीवी चैनल में काम करती है, नाम तुम्हारा? नाम हंसा, हंसा वाहिनी, ये सरस्वती माँ का नाम है। ब्यूटीफुल, आपकी तरह आपका नाम भी बहुत सुंदर है। बाय द वे, आई एम वेणु, टीवी देखना मेरी हॉबी है। बाय। मेरी पूरी बात तो सुनिए, मेरे जीजा जी दहेज की रकम के लिए झगड़ा करते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बैलेंस नहीं दे सकते तो मुझसे शादी कर लो, पापा को मार डालने की धमकी भी दे रहे हैं, ऐसे हालात में मैं क्या करूं बताइए। एक मजबूत लोहे का रॉड लेकर अपने जीजा का सर फोड़ दो।
नहीं तो वुमेन प्रोटेक्शन सेल में कंप्लेंट करके अरेस्ट करवा दो। इस तरह रास्ते चलते मुझ जैसे किसी भी आदमी को अपनी ट्रेजेडी सुनाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऑफिस में मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूं। ऑल द बेस्ट। हे, व्हाट इज दिस? कम ऑन प्लीज, अपने आंसू पोंछ लीजिए। वो तो ऐसा ही है, दिल में रहम और बातों में शराफत होनी चाहिए, ये वो नहीं जानता। उसे भूल जाइए, आपकी बातें सुनते ही एक सुंदर फूल में कांटे भी हो सकते हैं। ये सोचकर बहुत ताज्जुब हो रहा है मुझे। आप मुझे आजमा के देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्रॉमिस। क्या आप उनकी तरह गुंडों को मार पाएंगे? वैसे मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगा भगा कर मार सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या के लिए ये एक टेम्पररी सोल्यूशन होगा, परमानेंट में हल नहीं निकलेगा। लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्या? अगर ये वेनु चाहेगा तो क्यों नहीं होगा। मेरे पहचान के एक नंबर वन लॉयर है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगाकर आपके जीजा को कम से कम 10 साल की जेल करवा सकते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। सच? प्रॉमिस, मेरा यकीन कीजिए। आप यहाँ कैसे? बहुत ताज्जुब हो रहा है। मेरा अपने घर में होना ताज्जुब की बात नहीं है, तुम्हारा यहाँ होना ताज्जुब की बात है। मतलब इस घर के मालिक के बेटे? वो गुंडा मावाली मैं ही हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो आप ही हैं। पिताजी ने कहा तो मैं कोई और समझ रही थी। सिया, अरे अरे, ये क्या बेटी, 40 दिनों तक मौन रख कर रंगोली बनाना चाहती थी ना, आखिरी दिन बोली बैठी ना। 40 दिन का मौन व्रत, जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से तो एक दिन भी चुप नहीं रह सकती। मेरी किस्मत में अच्छा पति मिलना नहीं लिखा होगा, इसीलिए ऐसा हुआ, बैड लक। इस लड़की में बहुत सारे गुण हैं बेटे, सुशील, सुंदर, भक्ति, पिकअप, माइलेज, वारंटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। हु इज शी और डज शी लुक? ठीक ही है। वैसे अगर लुक्स की बात छोड़ ही दें तो शी इज एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट, एक जॉब करके फादर को सपोर्ट करती है। लेकिन एक बात है, तुम्हारे कैरेक्टर से एकदम अपोजिट है। हे, अपन तो बिंदास है बॉस, लाइफ कैसे एंजॉय करना चाहिए सबको मुझसे आकर सीखना चाहिए। नमस्ते वेनु जी। महेश राज जी, इतने बड़े लॉयर हैं तो मतलब फीस भी ज्यादा होगी। आप उसके बारे में फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। थैंक्स। कल का अपॉइंटमेंट है ग्रीन पार्क होटल, रूम नंबर 122। मैं पिकअप करने आ जाऊंगा। थैंक्स अलॉट, रखती हूँ, बाय। थैंक्स आंटी। लेकिन वकील ने इसे होटल में क्यों बुलाया? सो, आपके हीरो संजय ने आपके प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया हंसा? हाँ, लेकिन उसका फ्रेंड वेनु एक अच्छा इंसान है। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। आई थिंक वेनु, लॉयर के पास जाना है, आती हूँ, बाय। हाय, व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ, कम इनसाइड। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको एक बात बताने आया था। लॉयर ने आपको होटल में बुलाया तो मेरी अनपढ़ माँ को भी उस पर शक हुआ, आपको नहीं हुआ? वेणु एक बड़ा फ्लर्ट है, लड़कियों के साथ एंजॉय करके छोड़ देना उसकी हॉबी है, अगर आपकी भी ऐसी कोई हॉबी हो तो आपकी मर्जी, बाय। हंसा, तुम्हारा बैग। वेणु था, वेरी हैंडसम। नहीं संजय, एक शॉकिंग न्यूज बताई। हाय हंसा, वेटिंग, कम ऑन। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी। हे हंसा, उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए मैंने लीव ली है ना, आओ, लॉयर केस के बारे में बात करने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है, कम, लेट्स गो। ए, हाथ हटा। इसमें गलत क्या है? हाथ हटा रास्कल, क्या लगा कि मुसीबत में हूँ तो मेरा फायदा उठाओगे, इडियट। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? शट अप, ग्रीन पार्क में कोई लॉयर नहीं है, लेकिन रूम तेरे नाम से बुक है, झूठ बोलकर मुझे वहाँ पर क्यों ले जाना चाहते हो बताओ।
कल तो होटल में आने के लिए राजी हो गई थी, आज क्यों अचानक बदल गई? फ्री में नहीं चाहिए, कैश दूंगा। रास्कल, तूने मुझ पर हाथ उठाया? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वेनु के बारे में हंसा के ऑफिस में जाकर क्यों बताया? क्यों बताया होगा, वो मुझसे प्यार करने लगा है, शायद इसीलिए। तुम चाहे मना कर लो, लेकिन वो लड़की वेनु से प्यार करती है, इसलिए तुम्हें वेनु के ऊपर जलसी महसूस हुआ। Am I right? You are wrong. वेनु का फ्रेंड होने के बावजूद भी मुझे बचाने की क्या जरूरत होगी? वो चुप भी तो रह सकता था ना? चुप नहीं रह पाया मतलब वो भी प्यार जरूर करता होगा। कोई फायदा नहीं जय, तुझे प्यार हो गया है। लाइफ में कामकाज का पर्पस ना हो तो प्यार में गिरते हैं, पड़ते हैं, तैरते हैं, लेकिन ये संजय ऐसा नहीं है। सिर्फ संजय को ही नहीं, हर किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्यार हो ही जाता है, लेकिन किसी को देर से पता चलता है तो किसी को जल्दी पता चल जाता है। बस तुम्हारी बातें सुनकर लगता है he is in love with you। से कह दो ना प्यार है, कह दो ना ओ जान जा, प्यार है तुमसे, love you, love you। आँखों से कह दो ना, लबों से कह दो ना ओ हम नवा, दिल चाहे तुम्हें ही जाना, love you। जिस दिन से है देखा love you, उस दिन से है चाह love you, ओ मेहरबा, तुम सपना हो मेरा लव यू, तुम्हें अपना है मान लव यू ओ रहनुमा। मुझसे कह दो ना प्यार है, कह दो ना ओ जान जा, प्यार है तुमसे लव यू, लव यू। तू दिल कहता है ये आई मिस यू, जिसे देखा था मैंने ख्वाब में तुम हो ही, मेरे दिल की है वॉइस तू दिल कहता है ये आई मिस यू, दिल दे दिया मैंने जानी जाए तुमको ही, दिल की सुन लो सदा ये लव यू, तुम भी कह दो मुस्कुरा के लव यू। से कह दो ना प्यार है, कह दो ना ओ जान जा, प्यार है तुमसे लव यू, लव यू। मुझको चुन ले तू, मेरे सपने सनम बुन ले तू, मुझे बस तेरी ही लगी लगन साजना, आरजू है ये दिल की ना दिल से मेरे जाए तू, दिल हो गया मेरा भी तुझ पे यूं दीवाना।
दीवाना, मेरी सांसें कहे लव यू, धड़कन ये दिल की कहे लव यू। से कह दो ना प्यार है, कह दो ना ओ जान जा, प्यार है तुमसे ना पियो ना पियो। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, मुझे देखकर आए क्या? आने के बाद देखा। इस शॉप का ऑनर मेरा फ्रेंड है, मिलने के लिए आया हूं। ओके, चाहे जिस लिए आए हो पर आए सही वक्त पर। एयर कूलर खरीदना है, वो भी इंस्टॉलमेंट स्कीम से। श्योरिटी के लिए किसी पहचान वाले के दस्तखत मांग रहे हैं। श्योर, थैंक्स। चलो चलिए। हाय संजय, परसों शंकर दादा को बहुत अच्छे से धोया सुना है, लात और गुस्सों से, थप्पड़ और कंटाप भी, राइट? आप भी इसे जानती हैं क्या? आइए फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। यहाँ साइन कर दो। अगर इंस्टॉलमेंट का कूलर नहीं लोगी तो क्या तुमको नींद नहीं आएगी? अरे बाबा, मेरे लिए नहीं है, अमेरिका से मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं ना, उनके लिए है। आई सी। वहाँ पर रहने वालों को यहाँ की धूप बर्दाश्त नहीं होती ना, यहाँ का वाटर भी नहीं जमता है, इसीलिए मिनरल वाटर पीते हैं। बाप रे, कितना वक्त हुआ उन्हें वहाँ रहते हुए? 1 ईयर हुआ है। बाप रे, बहुत ज्यादा वक्त हो गया। इसीलिए उनके लिए बहुत कर्जा करना चाहिए ना, बहुत मुश्किल है। अपनों के लिए इतने से काम को मुश्किल समझना गलत है। वैसे भी मेरा उनके अलावा और कौन है? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपकी ब्रा देख रही है, ठीक कर लीजिए। थैंक्स, बाय। वो श्योरिटी के लिए, सुनिए एक बात कहनी है। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा नहीं हंसते। हमेशा हंसता रहूंगा तो लोग पागल समझेंगे। मेरी बेटी ने कहा था ना कि लोन निकाल कर दे दूंगी, अभी तक लोन नहीं मिला, 1 हफ्ता और लगेगा, समझ गए? अभी के अभी आकर मांगोगे तो कहाँ से दूंगा मैं? छोड़ो मुझे। तेरे और तेरी बेटी के पास एसी कूलर के लिए पैसे कहाँ से आ गए? हाँ, मुझे देने के लिए पैसे नहीं है क्या? रात को पीकर आकर इस तरह झगड़ा कर रहे हो, शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, मुझे पैसे देने के बजाय बेकार के खर्चे कर रहे हो। कब दोगे मेरे बाकी के पैसे? हाँ, लोन के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ, अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ। वो कब होगा? मेरे मर जाने के बाद, मेरा क्रियाक्रम होने के बाद होगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, मुझे अभी चाहिए, वरना मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। तू मेरी सोना देने वाली मुर्गी है, तू कमाते रहेगी और सारा पगार मुझे ला कर देगी। चल, छोड़, तेरी बेटी नहीं रहेगी तो तुझे खिलाएगा कौन, सोच रहा है क्या? वैसे भी औरत के बिना साला घर बहुत काटने को दौड़ता है। ए, चल, छोड़ो उसे। कौन है बेटो? मुंह से नहीं बोल सकता क्या? बाप रे! चलो, इसे तो अपना संजय देख लेगा। अभी तक मैंने नींद खराब करने के लिए मारा था। और इस बार तुम्हें गमला तोड़ने के लिए मारा। बहुत जोर से मारा, काफी महंगा गमला था वो। ये किस लिए था? दोबारा इस चौखट पर कदम न रखो उसके लिए। अपने घर की चौखट पर कदम नहीं रख पाऊंगा, ऐसे में इस घर की चौखट पर क्या कदम रखूंगा मैं? ओके, गुड नाइट। चलो अब आराम से सोऊंगा। असन, मैं
मैं तो गुंडा समझता था, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है ये। गलत देखकर चुप रहने वाले अच्छे इंसान से उसका सामना करने वाला गुंडा अच्छा होता है पापा। पता नहीं अपनी हंसा कल घर से बाजार, बाजार से घर करती चली आ रही है। अमेरिका से भाई भाभी आए हैं ना, तो ए माया व्हाट्स द प्लान? क्या लेके आओ? हाय। अरे कैसे आऊंगा इसे, तुम्हें क्या करना? ओके। आधे घंटे में पहुंचता हूँ ना। हाँ। ओके। बनी, तुम्हारी तरह लेट आने की आदत नहीं है मुझे। बनी, कम हियर, कम कम कम। मुझे एक पप्पी दोगी ना, तुम्हें चॉकलेट दूंगी। मेरे बारे में जानती हो ना? That's good. आज तक कभी लेट हुआ हूँ? ये लो चॉकलेट। बाकी बातें वहीं आकर करता हूँ। बाय। Come on, let's go. Yes, you. कल तक वो रामनाथ हमसे कह रहा था कि वो अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखेगा, अपने बेटे के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा, और अब हंसा से कर्जा करवा कर वाहवाही लूट रहा है। यही बात उससे पूछा मैंने। चाहे जितना भी हो, लड़की तो लड़की होती है, मरने के बाद तो चिता को आग लड़का ही देता है, वो मुझसे कह रहा था। बेचारी लड़की, उसका भाई जब आकर उसे एक परफ्यूम का बॉटल देता है तो बेचारी पिघल कर उससे दोबारा बात करती है। मेहनत करके पिता को दो वक्त का खाना खिलाने वाली ये लड़की है तो वाहवाही उसी को मिलेगी ना। सही कहा। हंसा को कोई तकलीफ नहीं है तो आप लोग क्यों परेशान हैं? अपने बेटे की भाषण सुन रही हो? गुड फॉर यू मैन, लगता है सब कुछ लव स्टोरी के फॉर्मेट में चल रहा है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, मुझे उस पर सिर्फ दया ही आती है। जरा उधर तो देखो, ये हंसा है क्या? तुम सिर्फ कॉफी पी रही हो या इसमें कुछ मिलाकर पी रही हो? If my guess is right, she is Hansa. एक बार उधर देखो तो सही। Hansa ही है ना? चांदी थी। She is cute. Hi Hansa. Hi Maya. संजय की फ्रेंड और कलीग हूँ। लगता है किसी इम्पोर्टेंट काम से आई हो। यू गाइस जस्ट कैरी ऑन। बाय जय। मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर के पास क्यों? एक छोटा सा काम है डियर। वो क्या है कि अबॉर्शन। फिर वही दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ। वो लड़की शादीशुदा तो नहीं लगती? तो शादी से इसका क्या संबंध? लड़की होकर ऐसे? लड़की है इसीलिए तो ऐसे हालात बने उसके। अब टी कॉफी? नो थैंक्स। तो क्या चाहिए? आप उस लड़की से बात करना छोड़ दीजिए। व्हाट? एक्सक्यूज मी, हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते? ज्यादा से ज्यादा 40 दिन से ना। मैं और माया 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसने कभी मुझे किसी से बात करने के लिए मना नहीं किया। वैसे भी आपको अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है, वो क्यों? क्योंकि वो इस वो का क्या मतलब है? क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यस, I want to marry you. इसमें हंसने वाली क्या बात है? वैसे तो मेरे बारे में जानती क्या हो? पहली बार ही जिस तरह का पति चाहती थी वो सब आप में दिखा। आपसे शादी हो जाएगी तो मैं खुश रह पाऊंगी, ऐसा महसूस हुआ। मेरे भाई और भाभी के अमेरिका जाने से पहले ये शुभ कार्य हो जाए तो अच्छा रहेगा। सॉरी, मैंने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया, अगर आप नहीं चाहते तो।
एक बात साफ कहना चाहता हूं कि मैंने कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा। मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए, सोचकर बताता हूं। ठीक है, चलती हूं। टी, कॉफी? नो थैंक्स, आपका हाँ कहना ही काफी होगा। बाय। मंदिर पूजा करने गई थी, ये लीजिए प्रसाद और फूल। भगवान से कुछ मांगा? भगवान से मांगने पर इच्छाएं पूरी नहीं होती आंटी, बल्कि उन्हें पाने की हिम्मत मिलती है। यहाँ क्यों आया हूँ यही सोच रहे हो ना जीजा जी? मेरी बेटी की शादी के अलावा मेरे पास काम क्या है? क्या कह रहे हो, लक्ष्मी के लिए अच्छा रिश्ता मिल चुका है? अरे सुनो, ये मजाक अच्छा कर लेते हैं, अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिला पूछ रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, शुद्ध हिंदी में ही तो पूछ रहा हूँ। मजाक बस भी कीजिए भैया, संजय के होते हुए लक्ष्मी का हाथ किसी और के हाथ में? भैया उसे हमेशा दिन रात हमेशा संजय का ही ध्यान रहता है। अरे माँ, तुम हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती हो, तो चुप रहे। भैया वो हर दिन नींद में भी संजय संजय कहकर चिल्लाती रहती है। दीदी के सोते हुए सिर्फ खराटों की आवाज़ सुनाई देती है, और तो कुछ सुनने मिलता नहीं। तो अपना मुंह बंद रख, 10 रुपए दूंगा। मजाक कर रहा है जिया जी। भैया लेन देन छोड़कर हमारे दामाद और लक्ष्मी का रिश्ता पक्का करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप क्या कहते हैं जी? इसमें आपके भैया क्या कहेंगे, जो भी कहना है संजू कहेगा। हाँ बहना, संजय हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक चलने के अलावा किसी का सुनता नहीं है। 10 साल की उम्र से अपने पहनावे में, यानी शर्ट से लेकर शूज तक, सब कुछ अपनी मर्जी से लेता आ रहा है। मैंने हमेशा उसकी मर्जी का सम्मान ही किया है, अब उसकी शादी के मामले में भी वही होगा। बस इतनी सी बात है ना, वो हाँ ही कहेगा। अपनी लक्ष्मी को 1 महीना यही छोड़ूंगी तो उसका मन भी बदल जाएगा। सही कह रही हो ना भाभी? क्या हुआ मामी जी, संजय अभी तक नहीं आए? दीदी टोकरी कहाँ है? टोकरी का मतलब? माँ ने दीदी से कहा था जीजा जी को टोकरी देके फंसा लेना, इसलिए पूछ रहा हूँ टोकरी कहाँ है। अरे बाप रे, साजन आ रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, पता नहीं क्या पूछेंगे। फिर से फिल्म देख रही है, लॉज में चलने के लिए कहेंगे दीदी। संजू, तुम्हारे मामा जी मामी जी कोयम्बतूर से खास तुमसे बात करने आए हैं। क्यों, उनके पास फोन नहीं है क्या? फोन पर तो बात होती रहती है बेटा, मन से मन का मिलाप नहीं होता, इसलिए अपने जीजा जी से मिलने यहाँ चला आया, ताकि उनसे मन की बात भी हो जाए। क्या बात है लक्ष्मी, हीरोइन की तरह सजी हुई हो, कुछ खास बात है क्या? दामाद जी, तुम मेरी लक्ष्मी से शादी करोगे तो 50 एकड़ नारियल का बगीचा, 50 लाख कैश, 10 एकड़ जमीन, गाँव का हमारा घर, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। वाह, मेरा रेट तो अच्छा लगाया आपने, मेरे माँ बाप को भी मेरी वैल्यू का पता ही नहीं था। तो करोगे ना? लेकिन सॉरी मामी जी, आज दोपहर को ही मैंने एक लड़की के साथ शादी का फैसला कर लिया। अरे ये क्या, माया तो नहीं है ना? नहीं माँ, हंसा। ये बात है, जीते रहो मेरे बेटे। तुम्हारी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बेटा। और शक्ल देखने के लिए यहाँ क्यों खड़ी हो? इस शहर में, इस घर में अब 1 मिनट नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से। पापा, आईमैक्स थिएटर में जाके फिल्म देख कर आते हैं, 3D फिल्म लगी है। क्या ट्रिपल सिनेमा देखना है? तुम सबका मर्डर करके मैं सेंट्रल जेल चला जाऊंगा, मेरा इतना दिमाग खराब है, समझा? जीजा जी आप बहुत होशियार हैं, मैंने तो आपको सीधा समझा था। संजू तू सच्चे मन से कह रहा है ना, कहीं इनसे छुटकारा पाने के लिए तो नहीं कह रहा है बेटा? क्या माँ, किसी से छुटकारा पाने के लिए मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है, मैंने तो अपना डिसीजन बताया। पूरी बात ये है, हंसा हमारे घर की बहू बनने वाली है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए पिताजी? वैसे हंसा कहाँ है? वो शर्माकर अंदर चली गई। बहुत खुशी की बात है संधि जी। सुनिए आप लोग यहाँ आकर बैठिए, लड़की कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ। ठीक है ले आइए। सुनो संजय कहाँ है? वो भी वही है जी, शायद हंसा से बात कर रहा होगा। हाँ समधि जी, शादी के बाद आपकी बेटी की बात सुनने के अलावा उसे बोलने का मौका थोड़ी मिलेगा। अच्छी लग रही है। थैंक्स, आपने पहली बार मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया। ऐसी बात नहीं है, आज पहली बार ही तो मुझे अच्छी लगी। रहने दीजिए, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आप मुझे पसंद करते हैं और आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। सच्चा प्यार बताया नहीं जाता है, जानते हैं, वो आंखों से झलकता है, मुझे आपकी आंखों से पता चल गया। प्यार कोई काजल या आंसू नहीं है जो आंखों में दिखाई देगा। डोंट बी सिली हंसा।
शब्द प्यार जिसे 6 साल से लेकर 60 साल तक का इंसान कहीं भी यूज कर लेता है उससे मैं चिढ़ता हूँ। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों करने जा रहे हो? क्योंकि तुम एक डिसेंट और खूबसूरत लड़की हो, इसलिए। प्लीज सच बताओ। किसी न किसी से तो करना ही है ना, इट्स नेचुरल। उस लक्ष्मी से शादी करना इससे बेहतर है कि तुमसे कर लूं। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये प्यार व्यार छोड़ो, हमारी अब शादी होने वाली है। चलो लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं। अब थाली की अदला बदली कीजिए। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती पापा। क्या हुआ संजय? क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्यार का मतलब क्या होता है तुम ये कभी नहीं समझ सकते। मेरी जिंदगी भी दीदी की जिंदगी की तरह हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं प्यार करने वाला पति चाहती थी, इसके लिए पूजा पाठ व्रत सब कुछ किया। इन्होंने मुझसे प्यार किया इसीलिए शादी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जिसे प्यार का मतलब ही ना पता हो उस इंसान से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ पापा? मुझे ऐसी जबरदस्ती की शादी नहीं चाहिए। बेटी, पापा बेटी, नहीं बेटी, चाहिए। सुनो तो। प्यार करता हूँ ऐसा बोल सकता था ना पापा? मैंने कहा ना मैं प्यार का मतलब नहीं जानता, तो कैसे कह दूं कि मैं प्यार करता हूँ? आई एम सॉरी सर। जूस निकाल रहे हैं भाभी जी के लिए। उसे जूस से क्या लेना देना, सुबह शाम पूजा पाठ में लगी रहती है। वो तो ऐसा करके मेरा जूस निकाल रही है, ये तो पुन्नू लाल के लिए है। अपने पुन्नू लाल के लिए? हाँ। क्या हुआ सर? उसकी तो समस्या बढ़ गई है। क्या समस्या सर? ऑपरेशन तो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ, जब से हुआ प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। पहले तो आधा पागल था, वो पूरा पागल हो गया है। दरवाजा खोलने पर बोलता दरवाजा बंद कर दो। मामा जी। क्या है? संभल कर बैठना, वैसे भी तुम मामूली इंसान नहीं हो। संभल कर, देखना टाके ना खुल जाएं। मामा जी मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। मामा जी इसका ये हाल है, मुंह खोलते ही अजीबोगरीब साउंड आते हैं, कुछ समझ नहीं आता, पूरा गड़बड़ है। चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। पुनुलाल जी आप वहाँ चलिए, बताता हूँ। देखा, ये है ऑपरेशन का परिणाम। आइए बैठिए। मामा जी। क्या है? माँ ने खत लिखा है कि जल्दी आ जाओ। कौन सा खत? अपनी शक्ल देखी है? समझ में आ गया सर। क्या समझ में आया? वहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा था, यहाँ फुल सिग्नल मिल रहा है। ऐसी बात कर रहे हो, इंसानों को सिग्नल की जरूरत होती है क्या? तू ये जूस पी। नहीं चाहिए मामा जी, ना तो कुछ खाने को मन करता ना पीने का। तो क्या करने का मन करता है? डेली करंट लगाने को मन करता है, प्लग में उंगली डालने को मन करता है। चार्जिंग करना पड़ेगा। चार्जिंग क्यों करना है और क्या मन करता है? सुबह मैं दूध लेने गया था तो मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया। अपने घर की काम वाली को आंख मारने को मन करता है। कनेक्टिंग पीपल, नोकिया। नहीं नहीं सो जाते हैं। आइडिया आइडिया। बाप रे बाप रे बाप रे, इसे मामूली बीमारी नहीं है, इसे किसी सेल फोन भूत ने जकड़ लिया है। राव जी को फोन करो। राव जी ये क्या है? मिस्ड कॉल। प्यार की बात करती है, मैंने तुम्हारी भाभी से शादी की, अब उससे प्यार भी करता हूँ ना? बस कीजिए, पहले से ही वो दुखी है। ये बात नहीं है, बिना दहेज के लिए अच्छा सा रिश्ता आया इसके लिए और ये प्यार व्यार करके बेवकूफी करने लगी। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की बजाय ऐसे। इस रिश्ते के टूटने से नुकसान तो मेरा ही है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अब तुम्हारे लिए लाखों का दहेज देने के लिए वी आर नॉट करोड़पतिस। विदेश में रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ और तुम्हारे सहारे पर जीने वाले पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जीऊंगी। ए, उसे क्यों तकलीफ देता है, इसमें इसकी क्या गलती है? सुंदर है, प्यार करने वाला लड़का मिल जाएगा।
हंसा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ हंसा। भाभी मैं जिससे प्यार करके शादी करना चाहती हूँ वो भी मुझसे प्यार करे, क्या ऐसा सोचना गलत है? जिसे प्यार का मतलब नहीं पता उससे शादी तोड़कर, क्या मैंने कोई पाप किया है? हंसा तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, तुम यहाँ इतनी डिप्रेशन में रहोगी, इससे तो अच्छा हमारे साथ अमेरिका चलो। भाभी तुम्हारे लिए एक अच्छा जॉब ढूंढ लूंगी, हमारे साथ ही रहना, वहाँ तुम्हारी पसंद का लड़का मिलने के बाद ही शादी करना, पहले वीजा के लिए अप्लाई तो करो। भाभी मैंने बचपन में ही माँ को खो दिया, माँ का प्यार भी नहीं पता था मुझे, लेकिन पहली बार आपको इस तरह बात करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ मेरी माँ है। हंसा आप मुझे समझ पाए उसके लिए थैंक्स भाभी, थैंक्स। सुंदर सुशील बहू के आगमन से पहले इस तरह मंगनी का टूट जाना बहुत ही बुरा हुआ। सुनिए संजू से एक बार बात करके तो देखिए। वो हमारी बात नहीं सुनेगा, सुना तो भी नहीं समझेगा। आजकल तो खुद की गलती को महसूस करने के लिए उनका बेटा खुद मैं गलत हूँ ये कहना पड़ता है। माँ कॉफी दो ना, कॉफी चाहिए माँ। क्या हो गया आप लोगों को? तुझे क्या हुआ ये बता, प्यार करता हूँ अगर ऐसा बोलता तो बुरा हो जाता? पहले मुझे समझ में तो आए कि प्यार क्या होता है। तुझे समझाना तो भगवान के बस में भी नहीं। प्यार क्या होता है ये नहीं जानता है, यानी कि हम लोगों ने परवरिश ठीक से नहीं की है। परेशान मत होइए भैया, हम भी खाली हैं क्या, जानते थे क्या ये भी ऐसा ही है, अगर एक बार हो जाएगा तो खुजाने से कोई नहीं रोक सकता। हंसा हम जिससे प्यार करके शादी करना चाहते हैं वो भी हमसे प्यार करता है ये सोचे बिना ही, हमारे देश में 60% से भी ज्यादा शादियाँ ऐसी होती हैं। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझसे कह रही थी कि साथ मिलकर चलेंगे इसीलिए आई। ये बात नहीं है हंसा। तारा हमसे कोई प्यार नहीं करता है, ये जानने के बाद सिर्फ तकलीफ होती है। तो क्या तुम अमेरिका जाना चाहती हो? बोलो। मैं भी यही कर सकती हूँ, चलो चलते हैं। Have it. Thanks. Cheers. तुम्हारी शादी कैंसिल हुई इसलिए। शादी फिक्स होने पर ऐसा करना चाहिए, लेकिन शादी कैंसिल पर क्यों? अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं और वो मिस हुआ तो खुश होना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। शादी कैंसिल हुई तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा बुरा कुछ नहीं, हंसा की बेवकूफी पे मुझे दया आ रही है बस। वैसे भी इतने साल तक इंडिपेंडेंट और अकेले रहने के बाद किसी के कंधे पे सर रख के कहना मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, कितना बेवकूफी भरा लगता है। What a coincidence! आज वैलेंटाइन डे है, सारे लवर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, चलो जरा एक नजर वहां डालते हैं। आइडिया अच्छा है, लेट्स गो। वैलेंटाइन वैलेंटाइन दो दिलों के मेल का डे, प्यार मोहब्बत चाहत का है डे। वैलेंटाइन वैलेंटाइन लव के लवली खेल का डे, खुल के मोहब्बत करने का है डे। प्यार तुझसे मैं करता हूँ दिल से, प्यार में तेरे डूबा हो कसम से, तुझ पे मरता हूँ चाहता हूँ दिल दिया है तुझे। जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे, जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे, जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे, जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे। बोल 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 आई लव यू, बोल 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 आई लव यू, बोल 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 आई लव यू, बोल 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 आई लव यू, बोल। सागर में जो होता लव टाइटैनिक लव, आंखों से होता जो वो मैजिक लव, दिल तो बस चाहे लव लव ही लव, रूल से जो होता वो मिलिट्री लव, छुपके भी होता लव खुल के भी लव, दिल से जो करता प्यार है प्यार वो सच्चा, ये लाइफ 4 दिन की है कर ले लव तू,
क्या है रॉन्ग क्या राइट ना सोचे तू, अरे वक्त है कम ना गवाना दिल को तू दे दे। जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे, जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे, वैलेंटाइन वैलेंटाइन दो दिलों के मेल का डे, प्यार मोहब्बत चाहता है डे। कभी नहीं भूले ला फर्स्ट वो लव, टाइम पास जो होता ला झूठा है ना, दिल वाले जो करते लव ना हारे वो लव, जोरा जोरी वाला लव डटी है ना, बातों में करते प्यार ड्रंक कॉल प्यार, जाल उठाके करते लव बेमिसाल लव, ना दिल तोड़ ना यार कालम में तू, जो वादा किया था निभाना वो तू, अरे दिल क्या है लव में जान भी हम दे दे यारा। जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे, जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे, जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे, जस्ट पार्टी वैलेंटाइन्स डे। हंसा अमेरिका जाने वाली है जी। जाएगी तो शायद वापस ना आए। तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? उसकी लाइफ उसकी मर्जी है माँ। लक्ष्मी, तुम बगल के घर में कुछ काम से जाती थी तो मैं तुम्हारा इंतजार करता था। वो लड़की अमेरिका जा रही है फिर नहीं लौटेगी कहने पर भी उसमें वो महसूस की फीलिंग ही नहीं है, उसे छोड़ दो। हेड ऑफिस से बॉस ने रीजनल मैनेजर को भेजा है, सिटी आउटकार्ट्स के रिसोर्सेज के जितने फाइल्स हैं वो लेकर आने के लिए कहा है। तुम मेरे साथ चलोगे? मैं? क्या बात है, तुम भी लड़कियों की तरह डरने लग गई। शिट, मैं नहीं डरती। कम इन। गुड इवनिंग सर। हाय माया, कम ऑन सिट। ये रहे आपके फाइल्स। ओह अच्छा, मॉर्निंग चेक कर लूंगा, तुम जाते वक्त ले जाना। व्हाट विल यू हैव? I have wine, scotch, whiskey, brandy, anything you want. No, no, thanks. मुझे अर्जेंट जाना है। क्यों? बॉस के साथ दारू कैसे पियोगी ये सोच रही हो? या फिर ड्रिंक लेकर कैलोरीज ज्यादा बढ़ जाएगी उससे फिगर बिगड़ जाएगा ये सोच रही हो? तुम एक बात जानती हो, 30 सेकंड की एक पप्पी लेने से 30 कैलोरीज जल जाती है, 3 मिनट तक कस के गले लगने से 100 कैलोरीज पिघल जाती है। अगर हम लोगों ने एक रात साथ बिताई तो तुम्हें एक हफ्ते तक जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी कैलोरी जल जाएंगी। सारी बात ही तुम्हारे लिए नई नई है ना? Please, take your hands off. तुम्हें भी मेरी तरह स्लोली प्रोसीड होना पसंद है लगता है। Excuse me, आपने मेरे बारे में क्या सुना है? यानी बहुत कुछ सुना, जितना भी सुना मुझे बहुत पसंद आया। वो तुम्हारा सिगरेट पीना, दारू ज्यादा पीना, बॉयफ्रेंड बदलना भी तुम्हारे लिए कपड़े बदलना जैसा आसान है। इतना ही क्यों, तुम्हारे अबॉर्शंस के लिए लीव एप्लीकेशन पर भी सैंक्शन तो मैंने किया ना? करेक्ट सर, आई एम नॉट अ रेगुलर पतिव्रता टाइप, लेकिन मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ, किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं। जबरदस्ती करूँगा तो चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, ऑफिस के सामने बदनाम करके रख दूंगी। मैं भी देखता हूँ क्या करती है। क्या कर लेगी? हाँ क्या कर लेगी? तू यहाँ क्या कर रहा है? आपके ऑफिस में काम कैसा चल रहा है ये देखने के लिए आया था। तू क्या देखेगा, तू क्या देखेगा, चल जा, चल जा। Damn it!
माया सुनिए, एक बार आप पुलिस स्टेशन तो होकर आइए, मेरी बात तो मान लीजिए। तुम जितना भी कहो, मैं नहीं जाऊंगा, उसे लॉकअप में ही रहने दो, तभी उसे अकल आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ अंकल? ये सबको बताने वाली अच्छी बात नहीं है बेटी। वो लॉकअप में क्यों है, क्या हुआ? पुलिस की छापामारी में शहर के बाहर एक लॉज में वहीं वो माया के साथ पकड़ा गया। छी छी छी। वो उसके जिंदगी में शनि जैसी है, उसी की बात मानकर शादी के लिए मेरे बेटे ने मना कर दिया था। आप चुप हो जाइए आंटी, ये सब सच नहीं होगा। चाहे जो भी हो, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में है, ये सच है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो हमेशा किसी के साथ अन्याय होने पर या किसी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाया करता था। मेरे जाने का मतलब भी होता था, उसके इस घिनौने कांड के बाद क्या मुंह लेकर जाऊंगा पुलिस स्टेशन। नीच नीच काम किया है। ची ची ची। क्या आप मेरे साथ चलेंगी आंटी पुलिस स्टेशन में? उनके मना करने के बाद इतनी रात गए, हम औरतों को वहां जाना ठीक नहीं। सुबह होते ही किसी लॉयर को लेकर ये खुद ही चले जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ऑटो ऑटो। ऑटो स्टॉप। कहाँ जाना है मैडम? पुलिस स्टेशन जाना है। बैठिए। एक मिनट मैडम, जरा ऑटो खराब है। ए रमेश विजय, जरा ऑटो को धक्का देना दो। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। तुम्हारे घर वालों के रिएक्शन के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है यार। बेकार में परेशान मत हो, वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? सर संजय हंसा, वो कहां से बीच में आ गए? ये बात जानने के बाद वो खुश होगी कि उसने मेरे साथ शादी नहीं की। हंसा तुम सोच रहे होगे मैं यहां क्यों आई। पापा के साथ आई हो? अकेली आई हूं, सोचा तुम दोनों को भूख लगी होगी इसलिए खाना लेकर आई हूं। हंसा असल में बात यह है कि नहीं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम दोनों के बारे में जानती हूं मैं। गलत समझने वालों को बताना चाहिए, मुझे नहीं। खाना खा लो, मैंने लॉयर से बात कर ली है। थैंक्स हंसा, चलती हूं। हंसा इतनी रात को अकेले घर कैसे जाओगी? कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सर। ऑल राइट। तुम्हारी मिसेज है तो इतनी रात को इतना रिस्क लेकर क्यों आई? रिस्क? आपका मतलब क्या है? इसे अकेली पाकर गुंडे पीछा कर रहे थे, समय पर हमारी पेट्रोलिंग जीप पहुंच गई इसलिए बच गई। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं उस लड़की को घर पे ड्रॉप करके आऊं। जस्ट वन आवर सर। सॉरी, रूल्स हैं, बट इस लड़की को सेफ्टी से घर पहुंचाने का इंतजाम हम कर देंगे। यू मिस्ड हर। संजय आ गया बेटा, पूरी रात भर तेरे बारे में सोचकर हम लोग सो नहीं पाए। क्यों, ये सोच के कि आपके बेटे ने बड़ा पाप किया? आप दोनों से बेहतर तो हंसा मुझे जानती है, मैं क्या हूं, मेरा कैरेक्टर क्या है। कहां जा रहा है बेटा? हंसा के पास। वो घर पर नहीं है,
वीजा लेने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गई है। सही समय पर गाड़ी आएगी अनाउंसमेंट किया था, अभी तक गाड़ी नहीं आई बेटी, गला सूख रहा है, पानी भी नहीं लेकर आए हम लोग। आप सामान का ध्यान रखिए, मैं कुछ पीने को लाती हूँ। ठीक है, एक फ्रूटी दीजिए। अरे मवाली कहीं का, यहाँ भी पहुँच गया। अगर उसे वीजा मिल गया और वो अमेरिका चली गई ना, तो मुझसे ज्यादा नुकसान और किसका होगा जानते हो? तुम्हारा। इतने सारे आए हुए रिश्तों को ठुकराने वाला महान इंसान तू ही तो है। क्या बकवास कर रहा है? आराम से उसकी तनख्वाह पर जीना बंद हो जाएगा सोचकर लड़के वालों को झूठे लेटर्स लिखकर शादी तोड़ते रहे। हाँ, तुझे क्या लगा ये सब मुझे पता नहीं है? हाँ, अब वो अमेरिका जाएगी तो तेरा क्या होगा? भीख मांगता रहेगा? ऐसे दिन कभी नहीं आएंगे। वो यहाँ रुपया कमाती है, वहाँ जाकर डॉलर कमाएगी। तुम्हें क्या करना है? मेरी बेटी की अपनी मर्जी है, तुम उसके बारे में मत सोचो। जाओ, चुपचाप जाने से मुझे क्या मिलेगा? 25,000 तेरे मुंह पर मारता हूँ। तो फिर मार देना। पहले उसे छोड़ दे, चेन्नई जाकर भेजता हूँ। ठीक है, वादे से मुकरना नहीं। हाँ, याद रखना। ठीक है। हाँ, कमीना हरामखोर। तुम कब आई बेटी? बस अभी। आप शायद किसी से बात कर रहे थे पापा। मैं कब? वो मेरा पुराना दोस्त है, तुम नहीं जानती। हाँ, ये लीजिए। अपने लिए नहीं ले बेटी? नहीं, मुझे नहीं पीना है। हाय। हे कॉन्ग्रेट। थैंक्स। हेलो। हाय आंटी। हाय बनी, मम्मी को फोन देना बेटा। ओके आंटी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इनसे दूर रहने के लिए हम अमेरिका गए और तुम हो कि सबको इकट्ठा कर रही हो। मुझे इतने पागल समझते हो क्या? मम्मी, मम्मी फोन। उसे अमेरिका क्यों ले जा रही हूँ जानते हो? वहाँ तो हम नौकर रख नहीं पाते हैं, इसीलिए उसे खाना खाने को मिलेगा तो बिना पगार के नौकर की तरह पड़ी रहेगी। उसका प्यार तो फेल हो चुका है और शादी वो करने से रही, समझ गए? वाह सुधा, ये तुम्हारा प्लान है? हैट्स ऑफ टू योर ब्रेन। बाप रे, उसके सामने इतना प्यार, इतना सेंटीमेंट जताया, तुम्हें इतना करीब से जानने वाला मैं ही धोखा खा गया। सुनिए पापा, विटामिन की टैबलेट खाना मत भूलिएगा। ओके बाय। से बातें करने के बाद माँ के होने का एहसास हुआ। तुम हो माँ? तू इतने जल्दी कैसे उठ गया बेटा? मुझे लगा हंसा चेन्नई से आ गई। इसी बात को लेकर तेरे पापा भी परेशान हैं। बेकार बैठ के परेशान हो रहे हैं, ये नहीं कि चेन्नई फोन लगा के बात कर लें। बेटे, अगर वो अमेरिका चली गई हो तो किसको फोन करेंगे? हाँ, ये भी सच है। वो ऑफिस भी नहीं जा रही है माँ। तो तूने इंक्वायरी की है क्या? इंक्वायरी कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही पता चल गया। तुझे हंसा की बहुत याद आ रही है ना? ठीक है ठीक है, तुम रंगोली बनाओ। तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, इसलिए तो रंगोली बना रही हूं। मैं 12 साल से इस वर्किंग वुमन हॉस्टल को संभाल रही हूँ। यहाँ की सारी लड़कियाँ कुंवारी हैं। इसीलिए कुमारी जी कुंवारी ही रह गई। सिम्हाद्री, हॉस्टल के एड्रेस पर प्यार के खत नहीं आने चाहिए। तुम्हारे रूम्स में लड़के नहीं आने चाहिए।
तुम लोग कभी हॉस्टल में लेट से नहीं आओगी। कोई भी सुखी नहीं रह सकता है और खुशी से जी भी नहीं सकता। ठीक है, हॉस्टल में चाहे जो भी आए शाम के 4 से 6 के बीच में ही आने चाहिए, उसके बाद कोई भी गेट के अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए तो सारे का सारे मर्द कीड़े हैं, ऐसे लक्ष्मण रेखा बनाते बनाते कुमारी जी अभी तक कुंवारी है। मुंह बंद रखो। सर मुंह ही बंद रखूं या और भी कुछ बंद रखूं? मित्र और तुम्हारे परिवार वाले रविवार को ही आने चाहिए। मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा। अरे तब तो तुम भी कुंवारी रह जाओगी। क्यों? चलो अंसर रूम देखते हैं। अग्नि अग्नि अग्नि, हाँ, कितना इमोशनल फील कर रहा हूँ। मेरे डर की वजह से सारे क्रिमिनल डर गए हैं। सर गुस्सा छोड़कर शांत हो जाइए सर, आपको बीपी है। ए, इस अग्नि से खेलने का मतलब आग से पंगा लेना है, ये बात तुम्हें पता चल चुकी है। सर मेरा एक डाउट है, आप में इतना बढ़िया टैलेंट है तो आपने फिल्म के हीरो के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? सर इस फील्ड में क्यों आ गए? हीरो बनने की कोशिश भी किया, रामानायडू जी से मिलने स्टूडियो भी गया, तो वहाँ नहीं थे, मुंबई गए हुए थे, तो उनके बड़े बेटे सुरेश नायडू से मिला, उसने हंसकर शेक हैंड करके मुझे गेट आउट कर दिया। उसके बाद समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं पुलिस बन गया। हेलो, ओके, थैंक यू, गुड। उस माफिया गैंग लीडर का सेल नंबर मिल चुका है, लेकिन उस सेल पर जाने वाले कॉल्स का पता नहीं चल रहा है। आप क्या करेंगे सर? ब्रिटिश, तैयार हो जाओ, इस इंस्पेक्टर अग्नि को देखकर इंस्पायर हो जाओ। देश के लिए धन मन धन को बेझिझक अर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन, वो सेल फोन जुबली हिल एरिया में ही कहीं पर है। कम ऑन, निकलते हैं। हम सब लोग क्यों सर, आप अकेले जाइए। क्या कह रहे हो, मैं अकेले जाऊं? इंस्पेक्टर अग्नि को मजाक समझ रहे हो? वैसे ही मैं कमजोर हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे डरा दिया तो? क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है? मुझे शर्म नहीं है। अभी कह रहे थे सर देश के लिए तन मन धन दे दूंगा। हाँ बोला, यूं ही इमोशनल होकर मन की बात हमने ऐसी बोल दी, इसीलिए कहा गया है अपने मन की बात को अपना मन ही जाने, दूसरे अपने मन की बात को क्या जाने। बेटा उसके पास बॉम्ब भी है और बंदूक भी है, और हमारे पास बॉम्ब नहीं है और बंदूकें चलती नहीं है। इस बार तो सक्सेस हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरे भांजे का ऑपरेशन फेल। सुना तुमने, फेल हुआ? फेल मतलब हमारा पुन्नू? आपसे पुन्नू लाल का कुछ नहीं हुआ, मेरा सेल चला गया। सेल चला गया? मामा जी संभल कर, अभी टांगे लगे हैं। मामा जी जैसे लोग पेटी में सामान छिपा कर रखते हैं, इस डॉक्टर ने मेरे पेट में रखा है। मामा जी क्यों डॉक्टर साहब, आप इसके पेट को पेटी समझ रहे हैं क्या, जो इसमें सामान छिपा कर रखते हैं? सही वक्त पर इंस्पेक्टर आए हैं। इंस्पेक्टर साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब आपका सेल फोन इसके पास मिला, इसका सेल फोन पता नहीं कहाँ चला गया। ये लीजिए उसका सेल। लेकिन ये आपके पास कैसे? कितने दिनों से इसके पेट में था। इसीलिए सर हमारे पुन्नू लाल जी के पेट से मिस्ड कॉल, इंगेज कॉल, अलग अलग कॉल के साउंड आते थे। इस डॉक्टर की वजह से इन लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ा देखा? मेरा 2 बार हो चुका है। मुझे 2 बार बिल भी भरना पड़ा, ऊपर से इसकी जान भी जा सकती थी। भाई लोग एक जान तो क्या, बॉम्ब प्लांट फेल होने से सैकड़ों जाने जो जा सकती उन्हें ये बचा चुके हैं। ये मैं ही नहीं देश का हर आदमी जानता है, और इसके लिए इन्हें 10 लाख का रिवॉर्ड मिलने वाला है। यही कहने के लिए मैं यहाँ आया। ओह थैंक यू, माइंड ब्लोइंग, कैश दोगे ना? ये कैसी बात कर रहे हो आप, ये अवार्ड आपको नहीं बल्कि पुन्नू लाल को दिया जाएगा। आपका लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल होता है, और ये कार्रवाई करने के लिए हम आए हैं ये आपको पता है। तुझे आगे नहीं जाना है बल्कि तुझे पीछे आना है। अग्नि अग्नि अग्नि, ये तो चले गए, कैश की बात किससे होगी? सेल पर बात कर लो, वरना पुलिस स्टेशन के सेल में भेज दूंगा। ठीक है, उतना मत सोचिए। सिस्टर कम ऑन, पैसा लेने चला था। मामा जी हैदराबाद में ऑपरेशन करवाने पर 10 लाख लगेगा, पूरे गांव को बता दूंगा। मेरे बेटे तेरे पेट में सेल नहीं, बॉम्ब रखना चाहिए था, बॉम्ब। जरा संजय को तो देख। पहले तो इसकी बाइक के किक में स्टार्ट हो जाती है, आज कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम बाइक में नहीं बल्कि संजय में है, हंसा को ढूंढते ढूंढते वीक हो गया है। कहीं ये वही तो नहीं है, शायद प्यार हो? हो सकता है, कीज ऑन करना पड़ता है बाबा। इस बार हम एक कमाल की लव स्टोरी लेकर आए हैं। ए राइटर अब तुम शुरू हो जाओ, लड़की पर जानी चाहिए। वो एक प्रेमालय है, राइडू जी का पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है,
बाजू के घर में रायडू का मित्र भूपति रहता है, उसके घर में एक काला कुत्ता है। फिल्मों में सफेद कुत्ते को ही लेते हैं, इसलिए हमने थोड़ी वैरायटी दिया है, इसलिए काला कुत्ता लिया है। वो कुत्ता प्यार से बाव बाव भौंकते रहता है। प्यार से चाटता भी है, ये नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा तो भी चाटता है। तब सुनील जी को काम वाली बाई पेपर ला कर देती है, वो भी प्यार से। प्यार से बताओ वरना हाँ नहीं कहेगी। असल में प्यार नाम का शब्द ही बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। आप लोग एक काम कीजिए, लोगों के फायदे के लिए कोई और सब्जेक्ट लेकर आइए। तुमने तो कहा था कि प्यार की कहानी लिखकर लेकर आना। पूरी कहानी प्यार से ही तो भरी है। हाँ, तब मैंने वो बोला था, अब ऐसा बोल रही हूँ। ये स्क्रिप्ट हमें नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। तुम कैसा प्यार चाहती हो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन थ्रिल सस्पेंस सीरियल की तरह कहानी लिखकर लेकर आऊंगा, तब तुम समझोगी कि मैं कैसी कहानी लिखता हूँ। उसमें भी काम वाली बाई रहेगी। तुम और तुम्हारी राय, सब कुछ बदल गया है यार। प्यार ये शब्द शायद हर किसी के लिए नहीं बना है। ये सच है कि मुझे प्यार पर विश्वास था, लेकिन अब जरा भी नहीं है। लोग आपकी फीलिंग्स को मजाक बनाकर रख देते हैं, इसीलिए मुझे लगता है संजय इज राइट, प्यार का मतलब ही ट्रैश है। प्यार का मतलब है ट्रैश, उसे बैन कर देना चाहिए। लगता है हंसा से तुम डीपली प्यार करने लगे हो। हाँ, उसे न देख पाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यू आर राइट, आई एम मिसिंग हर। अगर वो सेंस वाली लड़की होगी तो तुम्हें मिस करेगी, कभी ना कभी वो तुम्हारे पास जरूर आएगी, देख लेना। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। नाउ स्टॉप वरिंग एंड स्टॉप बीइंग अ देवदास। देवदास? बेकरार हो जाना, मैं प्यार में हूँ दीवाना, ये है तुझसे कहना, मुझ दिल में तेरे रहना, तेरे लिए मैं छोड़ दूँ जमाना, तू भी मुझे हम सफर ही चुनना। लव लव को जाने ना, तू खेल नहीं है इश्क ये, खोन बैठे चैन कहीं तू, रिस्क बड़ा है इश्क में। बेकरार हो जाना, मैं प्यार में हूँ दीवाना, ये है तुझसे कहना, मुझे दिल में तेरे रहना। खबर है अब ना, रोज तुमसे मिलना फिर भी तन्हा रहना, मेरी दुआ है रब से तुझको हमेशा के लिए, साथ ही मेरा एक दिन दे वो जो बना, कभी टूटना ये सिलसिला, कभी होना हम जुदा। बेकरार हो जाना, मैं प्यार में हूँ दीवाना, ये है तुझसे कहना, मुझे दिल में तेरे रहना। गजलों में तेरा फसाना, तेरे बिना जीना नहीं, हो ना मुझसे तू जुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जीवन में मेरा, एक बार तो कह दे कभी
तुझसे है यारा। बेकरार हो जाना, मैं प्यार में हूँ दीवाना, ये है तुझसे कहना, मुझे दिल में तेरे रहना। लव लव को जाने ना, तू खेल नहीं है इश्क ये, खोन बैठे चैन कहीं तो रिस्क बड़ा है इश्क में। हंसा कब आएगी? हंसा से तुम्हारा क्या संबंध है? हंसा मेरी बेटी है। बेटी है या तुम्हारी बेटी जैसी है? हे, कैसी बात करते हो? सगी बेटी है मेरी। सगी बेटी है तो तुम्हारा घर छोड़कर या हॉस्टल में क्यों रहने आ गई? वही तो मेरी समझ में नहीं आता। लो, तुम अपनी बेटी का मन नहीं पढ़ पाए, मतलब तुम बहुत दरिद्र हो। हाँ, गरीब होता तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए इंतजार क्यों करता? इसका मतलब कि अपनी बेटी की पगार पर जिंदगी बिताने वाले नकारा बाप हो तुम। वैसे तुम हो कौन, मुझे तंग कर रहे हो? इस हॉस्टल के प्रांगण का बेगन स्प्रे हूँ मैं। मतलब मर्द कीड़ों को आने से रोकने वाला वॉचमैन हूँ। वो देखो, मेरी बेटी आ रही है। बेटी हंसा, घर छोड़कर बिना बताए यहाँ क्यों चली आई? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे भाई भाभी अमेरिका चले गए। बेटी हंसा, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप तुम्हारे बिना कैसे जी पाएगा? बेटी ये लीजिए, ये पैसा आपके काम आएगा, ले लीजिए। बेटी रुपया ही है, डॉलर्स नहीं दे पाऊंगी, हर महीने खुद भेज दिया करूंगी। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। बेटी, इतनी देर बात करने के बाद भी लड़की ने तुम्हें पापा नहीं कहा, बोलो क्यों? असल में तुम ही उसके बाप हो ना? जे, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। पर्सनल है? टू पर्सनल। तो ऑफिस के बाहर बात करते हैं। कम ऑन यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? ओके, दो दिन से हंसा हंसा करके इंक्वायरी करके सबको तंग कर रहे थे, इसलिए बताने आई थी। इट्स ओके। वेट माया, क्या तुम्हें हंसा दिखी? हेलो, कैन यू वेट फॉर 15 मिनट्स? नो आई कांट, आई एम सॉरी। बताओ ना कहाँ दिखी, प्लीज प्लीज। आप हंसा, वो तुमसे एक इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करनी थी। पता चला कि तुम आ गई हो तो सोचा पूछता चलूं। हंसा, टाइम खत्म हो चुका है। हाँ? आपको बता दूं, इस वक्त विजिटर्स नहीं आ सकते, सॉरी। हंसा, वन सेकेंड। सर, आज का विजिटिंग समय खत्म हो चुका है, कल आ जाइएगा प्लीज। टाइम की पाबंदी मुझे भी पसंद है, लेकिन फर्स्ट टाइम, पहली बार इन प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन्स पर गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों हो रहा है सर? शायद प्यार हो सकता है सर। कांग्रेचुलेशंस, करेक्ट कहा तुमने। कितनी पढ़ाई की? बहुत ज्यादा पढ़ चुका हूँ सर, यहाँ लड़कियों के लव लेटर्स। मैडम कुरियर। हेलो, मैं संजय बात कर रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे तुम्हारे ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में आ जाना। मैं तुम्हारा वेट करूंगा, बाय। हेलो, क्या स्टुपिडिटी है। The Airtel mobile you have called is switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ एयरटेल नंबर फिलहाल बंद है। पहले कहा कि प्यार नहीं करता हूं तो बुरा लग गया, अब जब मैं खुद कहने आया हूं कि मुझे तुमसे प्यार है तो तब भी तुम्हें बुरा लग गया। मुंह पर दरवाजा बंद करके टाइम खत्म हो गया कहोगे? आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हारे अंदर मिनिमम मैनर्स भी नहीं है। क्या है ये, कैसे एक्सप्रेशन है? कैसे एक्सप्रेशन दे रही हो? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। कुछ चल के तुम्हारे पास आया इसलिए घमंड आ रहा है, दिमाग फिर गया है। बिट बिट,
रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? हाँ एक और आइसक्रीम चाहिए। ए देखो रोना मत है, देखो तुम कब से यहाँ खड़ी हो? आपको जो कहना है वो सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो बताने आई हूँ। मुझे लगता था सारी दुनिया प्यार के सहारे चलती है, पागल थी। हंसा पहले सामने वाले की पूरी बात सुननी चाहिए। किसी को अपने प्यार के बारे में यकीन दिलाना, ये कहना कि उनके बिना जी नहीं सकते, ये सब नॉनसेंस है। आप तो जानते थे, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगा जानने के लिए। प्यार ट्रैश होता है, झूठ होता है। यू आर राइट, चलती हूँ। होल्ड ऑन, प्लीज रुक जाओ। अब मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपके और मेरे बीच जस्ट पहचान है, प्यार नहीं। दैट्स इट। आपका सेल फोन। अरे रे रे, परेशान मत हो यार संजू, हंसा कोई नई लड़की नहीं है। ऊपर से एक वक्त तो तुम पर मरती थी, डायरेक्ट जाकर तू उसे आई लव यू बोल दे। वही बोलने के लिए गया था, लेकिन वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चली गई। असल में तूने कैसे कहा? मैंने कहा हंसा मेरी बात सुनो और इसके बाद। बस बस बस, ऐसे अस्थमा पेशेंट की तरह बोलेगा तो कोई भी लड़की तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करके भाग जाएगी। आई लव यू बोलने का स्टाइल है। इन दिनों तूने जो दो फिल्में देखी उनका जरा नाम तो बता। ब्लैक और इन दिनों होप। क्या पंचम दा का ब्लैक और रामानायडू जी की होप? इसलिए तुम्हारा लव होपलेस और तुम्हारी लाइफ कलरलेस हो चुकी है। किस तरह रोमांटिक स्टाइल में बोलना है इसके लिए कमर्शियल रोमांटिक फिल्में देखो, अपने वेंकटेश की फिल्म देख लो। प्रॉब्लम वो नहीं है, समझ में नहीं आ रहा उसके मुंह से कैसे निकले। ओके, इसके लिए भी हमारे पास एक स्कीम है। तो बताओ उसकी खिड़की कहाँ है? ऐसे ही खड़े रहो, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, तुम अगर ऐसे लैंप पोस्ट की तरह खड़े रहोगे तो लड़की खिड़की से देखकर अपने पर्दे गिरा देगी। इससे क्या फायदा होगा? अरे यार बताता हूँ, रुको, थोड़ी देर बाद पर्दा हटाकर देखेगी कि तुम हो या नहीं। पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह तुम खड़े रहोगे, फिर वो सोने चली जाएगी, लेकिन फिर आधी रात को उठकर तुझे देखेगी। अब तेरे पैर में दर्द हो, तुझे ठंडी लगे, हवा लगे, कुछ भी हो, लेकिन तू यहाँ पर खड़ा रहेगा। उसके लिए तपस्या करने वाला ऋषि मुनि सोचकर वो लड़की आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगी। और उसके बाद देवदास के पारों की तरह दौड़कर तुम्हारे पास आएगी। और वहीं पर देवदास मर जाता है। तुमने उसके जितना नहीं पी है इसलिए तुम नहीं मरोगे। और उसके बाद वो लड़की दौड़ कर आएगी और तुमसे लिपट जाएगी, और लिपट कर आई लव यू बोलेगी। दी एंड। शुभम, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुमने हंसा के बारे में जो एग्जाम्पल दिया वो सेट नहीं हुआ। ओह, तो फिर आम के पेड़ पर बैठने वाली कोयल रखे क्या? ये बेटर है। ठीक है, मैं वहां दीवार पर बैठता हूँ, मैं यहाँ हूँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुम सोलो ही शुरू हो जाओ। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसी। ए संजय, हुसैन सागर की मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? सीधा खड़ा हो जा। ओ सॉरी। अब ठीक है। ये तो असली हीरा है, सच में असली हीरा है, ये तो हमारा असली हीरा है। कौन है ये? मुझे इशारा कर रहा है, अभी देखती हूँ। कौन है तू? मुझे इशारा करता है? मैडम, 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 प्लीज, प्लीज, मैडम, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लीज छोड़िए ना मैडम, ज्यादा मारेंगी तो मर जाएगा बेचारा। बिल्कुल सही, बैलेंस की मार कल पूरा कर लेना। ये करेक्ट कह रहे हैं। चुप रहिए ना चाचा, कल आकर बाकी मार खा लूंगा। कल इसी समय इसी जगह पर आकर मार नहीं खाया तो मेरा नाम भी देव गोपाल नहीं रहेगा। कभी हमारे हॉस्टल में कदम भी रखेगा ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ यहाँ से, जो ये कहती है करके दिखाती है। शिट, बाप रे, धीरे धीरे। सॉरी चाचा जी। कोई बात नहीं, कल मेरा दर्द ठीक होने दो, एक धमाकेदार प्लान बनाऊंगा। नहीं चाचा जी, प्लान बनाकर किसी का प्यार नहीं पाया जा सकता। प्यार पाने के लिए जो ऐसा करते हैं वो बेवकूफ है। संजय, प्यार से उसका भरोसा पूरी तरह उठ चुका है चाचा जी। जिस दिन फिर से भरोसा आएगा वो मेरे पास जरूर आएगी। इतनी परेशानियां उठा रहा है, मतलब वो तुमसे कितना प्यार करता है, अब तुम ही सोचो। वो प्यार नहीं है यार, वो जो चीज जब चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है, ये भी उसी तरह है। हाय जे। हे, क्या बात है, बिना बताए दो दिन ऑफिस क्यों नहीं आई?
बताऊंगी तो शौक हो जाओगी, लेकिन खुश भी होगी। हाँ? मैं शादी करने वाली हूँ। What? So? लाइफ में इस तरह का भी ट्विस्ट आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था जय। परसों टीवी पर एक छोटी सी लड़की के लिए अर्जेंटली एबी पॉजिटिव ब्लड चाहिए का एड दिखा रहे थे। उन्हें तुरंत ऑपरेशन करना था, मेरा ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था, इसलिए ब्लड डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल गए। उसी वक्त मेरे जैसे ब्लड देने के लिए पीटर नाम का एक इंसान वहाँ है, वो भी टीवी में एड देखकर निजामाबाद से बाइक पर आया कहकर ब्लड देने के लिए जबरदस्ती करने लगा। एक गुड कॉज के लिए तड़पते हुए एक इंसान को देखकर मैं हैरान सी हो गई। मैं उसकी बात मान गई और उसके लिए इंतजार करती रही। अरे हुँ? आप किसी का वेट कर रही है क्या? आपके लिए वेट कर रही। टीवी पर एड देने से ब्लड डोनेट करने के लिए लड़कियां भी आ सकती है, ये मैंने सोचा नहीं था। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। अच्छा काम करने के लिए दिल और इंसानियत चाहिए, इसमें हैरानी की क्या बात है? मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। आई थिंक आपकी शादी तो नहीं हुई होगी, आई एम नॉट रॉन्ग? यू आर राइट, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? आप सच्ची और नेक दिल की हैं, इतना तो मैं अब तक जान ही चुका हूँ। और मेरी 22 साल की बीती हुई जिंदगी, उसे तो तुम नहीं जानते हो। उसके बाद मैंने पीटर को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। कोशिश करूंगा तो मुझे और भी अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन आप जैसी अच्छी ह्यूमन बीइंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। और जहां अफेयर्स की बात है, मेरे भी काफी अफेयर्स हो चुके हैं। शादी का मतलब कोई बीता हुआ कल नहीं है, मेरे हिसाब से आने वाला कल है। सो व्हाट डू यू से मिस माया? रियली यू आर वेरी लकी माया, तुम्हें समझने वाला पति तुम्हें मिल गया। थैंक्स, कल तुम बेस्ट विशेस देने वाले फ्रेंड बनकर नहीं बल्कि आशीर्वाद देने वाले बड़े बनकर आना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वन मिनट, ऐसे क्या देख रहे हो? नथिंग, मेड फॉर इच अदर लग रहे हो। विश यू बोथ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स। वैसे हनीमून का प्लान कहां बनाया? आई थिंक गोइंग टू बैंगलोर। ऐसे क्या देख रहे हो? पीटर और मैं मिलकर तुम्हारी शादी करवाएंगे, मेरी ये इच्छा पूरी करोगे ना? हमने जो सोचा वैसा होना जरूरी नहीं है, कभी कभी जो हम नहीं सोचते हैं वो होता है। प्यार को बेवकूफी कहने वाला मैं अब देखो खुद ही प्यार करने लग गया हूं। प्यार को ही एवरीथिंग समझने वाली हंसा उस शब्द से चढ़ने लगी है। और तुम शादी को जेल समझती थी और अपनी मर्जी से शादी कर रही हो, ऐसे बदलाव तो हमने सोचे भी नहीं थे। संजय, जिंदगी में तो बदलाव आते ही रहते हैं। चीयर अप मैन, कम ऑन, लेट्स ऑल गो फॉर लंच, कम ऑन। नो, यू कैरी ऑन। तेरे बिना टूटा ये दिल मेरा, क्या था सोचा क्या हुआ प्रियतमा, जिया ना जाएगा सनम तेरे बिना। हेलो, आइए मैडम। फिर फ्रिज या कूलर लेना है क्या? कुछ नहीं लेना,
लास्ट मंथ के सामान का इंस्टॉलमेंट भरना था, वही देने आई हूँ। ओह, इंस्टॉलमेंट संजय ने दे दिया है, आपको बताया नहीं क्या? संजय? हाँ मैडम, मुझे सब कुछ बताया। उसका पैसा हो या आपका पैसा, एक ही है कह रहा था, ही इज अ जेंटलमैन। योर चॉइस इज राइट मैडम। मैडम शादी में मुझे भी बुलाइएगा। कौन चाहिए आपको? संजय कहाँ है? सर मीटिंग में है, आप वहाँ वेट करिए। हंसा जी, ये कौन है सर? हमारे बॉस की फियांसी है यार, इसीलिए स्पीड में है। ओह, कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल होगी तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगी। मेरा कर्जा भरने वाले आप कौन होते हैं? एक्सक्यूज मी हंसा, हम बाहर चलकर बात करते हैं, कम ऑन। एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो, लेकिन फिर भी तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेरेंस कर रहे हो। तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था बस। अगर मैं कहती तो वो मदद होती, लेकिन बिना मांगे किया हुआ धर्म होता है, मुझे नहीं चाहिए। धर्म की बात नहीं है, पैसा तो आखिर पैसा है ना। नहीं, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। किसी और का पैसा मैं क्यों लूं? मैं अपने खर्चे उठा सकती हूं। अच्छा होगा तुम अपनी हद में रहो, मेरी पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। आई हेट इट। हंसा प्लीज जस्ट लिसन टू मी। ये लो तुम्हारा पैसा, अपनी दया अपना धर्म किसी गरीब पर दिखाना, मुझ पर नहीं। हंसा, हंसा आई लव यू। चुप करो, मुझे इस शब्द से चिढ़ है, मेरी जिंदगी से चले जाओ। बाय, गुड बाय, गुड बाय। क्या था कसूर मेरा मुझको बता दे, मुझको तड़पने की क्यों दी सजा ये। मुझे ना तुम भुलाओ सनम, तुम लौटाओ। ओ ओ ओ ओ ओ हंसा, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं मैडम, आप इस वक्त यहाँ? संक्रांति के मौके पर हॉस्टल की छुट्टी है, सब अपने अपने गांव जाने वाले हैं, नर्स भी नहीं रहेगी। तुम नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें पहले बता रही हूँ। मतलब यहाँ कोई नहीं रहेगा? कोई नहीं रहेगा। क्यों बेटी, तुम्हारा अपना कोई नहीं है क्या? वो एक्चुअली मेरा कोई नहीं है। हंसा, हंसा, आई एम वेरी सॉरी बेटी, ये चार दिन तुम कहीं एडजस्ट कर लो, यहाँ हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते बेटी। हंसा मेरे साथ गांव जाएगी मैडम। वेरी गुड, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अपने आप को कभी अकेली मत समझना, ये फ्रेंड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। थैंक्स तारा। मैं रेडी हूँ, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? हाय, संदीप भी आया है। हाय। ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? चार दिन संदीप के बिना कैसे रहोगी, यही सोच रही हो क्या? सॉरी यार, संदीप ने सडनली ऊटी का प्लान बनाया है, वो भी मुझे सरप्राइज देने के लिए। गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इसीलिए तू भी ये चार दिन के लिए कहीं और जाएगी प्लीज। Hey, it's okay. मेरे बारे में मत सोच, तू जा, have a nice trip. Thanks, तू बुरा नहीं मानेगी, मुझे पता था, मेरी अच्छी हंसा। Bye. Bye. Bye, हंसा। Bye.
यूएस का वीजा मिल चुका बस, है बस। अगले हफ्ते इस वक्त वहां रहेगा। संजू क्या हुआ? हंसा की याद आ रही है चाचा जी। उसकी याद क्यों आ रही है जानता है बेटा? क्योंकि तू उससे प्यार करने लगा है। ये बात वो समझना ही नहीं चाहती। तू कहे बेटा तो हंसा से बात करें। नहीं, आखिरी बार मैं खुद ट्राई करूंगा। हंसा मैडम के लिए क्या? हाँ, ये मत कहना कि टाइम खत्म हो गया। ये लो रखो। सॉरी सर। सर टाइम खत्म नहीं हुआ, आप लेट हो गए हो। हंसा मैडम यात्रा के लिए बस पकड़ के निकल चुकी है। कब? बस यूं समझिए कि बस ने राइट टर्न लिया होगा और आपने लेफ्ट टर्न लेकर सीधे यहाँ आ गए हैं। काम नहीं किया उन हालात में जो भी होता। संजय, चीफ सर्जन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बुलाया है। थैंक्स। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके ब्रेन में ब्लड जम चुका है। 12 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसके लिए खतरा होगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। बाय द वे, आप उनके कौन है? करीबी रिश्तेदार हूं। ओह, देन इट्स ऑल राइट। यह ऑपरेशन स्पेशल सर्जन को बुलाकर करना पड़ेगा। इसमें 7-8 लाख का खर्चा हो सकता है, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। ओके। ये जो है मेरी जिंदगी, तेरे बिना कुछ नहीं। ओ, 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 ओ। सांसों में तुम हो, धड़कन में तुम हो, आंखों में अक्स तुम्हारा। ख्वाबों में तुम हो, नजर में तुम हो, बातों में जिक्र तुम्हारा। जिया ना जाएगा सनम तेरे बिना,
रहा ना जाएगा सनम तेरे बिना, टूटा ये दिल मेरा, क्या था सोचा क्या ये हुआ प्रियतमा। मिस्टर संजय, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, एक घंटे में उनको होश आ जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ऑल राइट। संजय तुमसे प्यार वाकई नहीं करता तो वो इतना रिस्क नहीं लेता। हंसा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उसने बहुत सारे लोगों को बचाया है। मुश्किल में चाहे जो भी हो, मदद करना उसका नेचर है। बस यही बात है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। उसके प्यार को समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हंसा, हंसा तुम्हारा मेजर ऑपरेशन हुआ है। जानती हूँ। और ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ जानती हो? कल शाम को मेरे वॉइसमेल पर संजय का भेजा मैसेज सुनो, तुम सारी बातों को जान जाओगी। माया, तुम मेरी इकलौती दोस्त हो जो मेरे मन की बात जानती हो। जिंदगी और मौत के बीच लड़ने वाली हंसा को बचाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। मेरी जानकारी के सारे लोगों से मैंने रुपए मांगे लेकिन इतनी जल्दी कोई भी देने को तैयार नहीं है। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हाँ मामा जी, आप कहेंगे तो लक्ष्मी मान जाएगी। हाँ। मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ। देर से ही सही पर बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा, अब देर कैसी, चलो तुरंत शादी की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? लक्ष्मी से शादी के बाद आप बगीचा, जगह, खेत और पैसा सब देने वाले थे। हाँ। वो सब मुझे नहीं चाहिए। हाँ? उसके बदले अभी इसी पल मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, यही मेरी शर्त है। बहुत ही खुशी की बात है, अब तो तुम्हें इंसान को पैसे की जरूरत होती है, पता चल गया ना। उसी पैसे से हंसा की जान बचा पाया। हमेशा मुझे चाहने वाली हंसा मुझसे नफरत क्यों करने लगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके मन में मैं जबरदस्ती प्यार पैदा नहीं कर सकता, ये भी जानता हूं। माया, प्यार का मतलब अपने मनपसंद इंसान को पाना ही नहीं होता, अगर जरूरत हो तो उसकी खुशी के लिए उससे दूर भी रहना चाहिए। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि हंसा जब तक जिए हमेशा खुश रहे। कल गांव में मेरी शादी है, हो सके तो जरूर आना। प्यार के लिए बहुत लोग बहुत कुछ त्याग देते हैं लेकिन संजय जैसे जिंदगी को त्यागने वाले बहुत कम मिलते हैं। प्यार कुछ मांगता नहीं बल्कि देता है, इस बात को अच्छी तरह से किसी ने प्रूव किया तो वो संजय है। इतने अच्छे इंसान और उसके प्यार को खोने वाली तुम मोस्ट अनलकी गर्ल हो। आई एम सॉरी टू सी। एक घंटे में उसकी ट्रेन जाने वाली है, मैं जा रही हूँ। हंसा, हंसा, it's okay। मुझे जाना है। कहाँ? मुझे जल्दी जाना है। लेकिन कहाँ? हंसा, हंसा, हंसा रुक जाओ। Ah!
संजय आया नहीं। चलो ट्रेन आ गई। हैदराबाद से रॉयल सीमा जाने वाली गाड़ी एक नंबर प्लेटफॉर्म से निकलने वाली है। की रहने वाली, लेकिन जो इंसान मुझे प्यार नहीं करता उसके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हम दोनों को तकलीफ देने वाली ये शादी आखिर क्यों करना चाहते हो? बिना प्यार की शादी मैं नहीं कर सकती। चलिए पापा।